जिंदगी संघर्ष का ही नाम क्यों, जिंदगी संघर्ष का ही नाम क्यों एक सुंदर कहानी भी तो हो सकती है। बस सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया और कार्यशैली को बदलना है। बस सोचने का नजरिया, करने का नजरिया, कार्यशैली को बदलना है, एक बेहतर शुरुआत हो सकती है। नमस्कार, मैं आयुष केशरी मौजूद हूं जज्बात के 43वें एपिसोड में। हर एपिसोड में नए शख्सियत के साथ मौजूद होते हैं, उनकी जीवनी को लेकर के, उन्होंने क्या नया, क्या बेहतर और किस तरीके से अपनी जीवनी को व्यतीत करें, ताकि हम आपको इंस्पायर कर सकें, इंडिया के यूथ को इंस्पायर कर सकें और एक बेहतर जीवन आपको दे सकें। आज ऐसे ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर राजेश ग्रोवर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरा जीवन आपने अब तक तो जिया है, उस सफर को अगर मैं बोलूं बताने के लिए 5 शब्दों में तो क्या होंगे, या 3 लाइन में? जीवन एक संघर्ष तो है। हाँ। पूरे संघर्ष को एक आनंद की तरह से अगर उसको एक्सेप्ट करें तो काम करने में बड़ा मजा आता है। हिम्मत नहीं हारनी होती, एक लक्ष्य बना के चलना होता है। उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ हो सके एक जायज तरीके से वो सब जरूर करना चाहिए। बचपन के दिनों में क्या ये सब पता था कि आप इतना कुछ करने वाले हैं और इस तरीके से आप उभर के सामने आएंगे, इतने लोगों की मदद करेंगे, इतने बड़े इंस्टीट्यूट की संस्था मतलब हेड के रूप में कार्यरत रहेंगे? देखिए, मैं खुद ये जानता था या नहीं जानता था ये तो मैं आज नहीं बता सकता। हाँ। पर ये जरूर है कि बचपन एक हमारे टीचर थे जिनका नाम श्री रामचंद्र आहूजा है। हाँ। मुझे नहीं मालूम कि आज वो कहाँ है। उन्होंने जरूर मेरे परिवार वालों को, मेरे पेरेंट्स को, भाई को बुला के जरूर कहा था कि ये बच्चा बाकी कुछ फर्क है, इसको संभाल के जरा पालिएगा। तो अब बताते हैं घर वाले की इस तरह उस टीचर ने ऐसे बोला था। जो आज क्या शरारती थे आप? शरारती भी थे पर पढ़ते भी थे। मुझे नहीं पता कितना पढ़ते थे, पर हमेशा टॉप करते थे क्लास में। अभी नहीं पता कितना पढ़ते थे। जब 12th के बाद आपको डॉक्टर के लिए आगे बढ़ना था, MBBS के लिए, वो सोच कहाँ से आई और कितनी मेहनत की होगी आपने? शायद उस वक्त इतने सीरियसनेस पता नहीं था पढ़ाई की क्या होती है। मस्ती में लेते थे पर नंबर आते रहते थे। कुछ कुछ चीजें कैजुअली में भी, हम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में और भी जा सकते थे। फॉर्चुनेटली अल्टीमेटली मैंने BHU मेडिकल साइंसेज वन ऑफ द टॉप रैंकिंग इंस्टीट्यूट, तो ये थोड़ा बाद में नंबर आया, पहले भी आ जाता। हाँ, पर ये जज्बा जरूर था कि डॉक्टर बनना है। उस वक्त MBBS में आने के लिए 11th क्लास के बाद एक प्री मेडिकल का बीच में साल आता था। अच्छा। आज की डेट में 10+2 के बाद सीधे MBBS में जा सकते हैं। उस वक्त ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन 11th तक होती थी और मेडिकल के फील्ड में आने के लिए एक साल प्री मेडिकल यूनिवर्सिटी से करनी पड़ती थी। अच्छा। और मैंने जब 11th पास हुई तो दरियागंज में जहाँ स्कूल था वहां से दिल्ली यूनिवर्सिटी प्री मेडिकल के लिए फॉर्म भरने जाना था, तो रास्ते में कश्मीरी गेट आता है और कश्मीरी गेट में इंजीनियरिंग कॉलेज का, दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग के एडमिशन के खूब सारे बैनर्स पोस्टर लगा हुए थे। अच्छा। तो मैं उतर के फॉर्म भराया सारी फील्ड्स में। हाँ। और भराया तो रैंक मार्क्स अच्छे थे, डायरेक्ट मेरिट के बेसिस पर एडमिशन होता था। एडमिशन उधर भी हो गया, एडमिशन प्री मेडिकल में भी हो गया। वहां से घर चिट्ठियां भी आती रही कि आप जो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, सिविल में हो गया, तो एक बार फादर कहने लगे देख इधर तो एडमिशन हो गई है कर ले, उधर तो प्री मेडिकल में फिर एक चांस आएगा, पता नहीं हो ना हो। मैंने कहा नहीं, बनना तो डॉक्टर ही है। तो एडमिशन आई पर मैंने कभी गया नहीं, बनना डॉक्टर ही था। तो डॉक्टर बनने के लिए फिर ठीक है, कई जगह अप्लाई किया, एडमिशन भी कई जगह हुई, पर अल्टीमेटली फिर ये इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज BHU में आकर फाइनली फिर मैंने चुना। पहली बार घर से बाहर निकले थे, घर वाले बहुत चिंता करते थे। दिल्ली से बनारस आए थे आप? हाँ। तो पहली बार आए थे, एग्जाम देने भी अकेला ही आया था, क्योंकि तब कंपटीशन जब होता था एंट्रेंस एग्जाम तो यहीं आके होता था। अब तो हिंदुस्तान में कई जगह हो जाता है, दिल्ली में भी होता, तब यहीं आके होता था। तो यहाँ आए थे तब अकेले आए, एडमिशन हुई तब भी अकेले आए। पर डर था क्या सर मन में कि अरे यार होगा कि नहीं होगा, इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, इतने कॉम्पिटिशन है? डर ऐसा तो नहीं था क्योंकि कई जगह हुआ था, कॉन्फिडेंट थे आपकी, एक नहीं तो एक चीज तो नहीं हमारे पास। हाँ, दिल्ली में भी हो गया था, नया मेडिकल कॉलेज खुला था, यूनिवर्सिटी कॉलेज मेडिकल साइंसेज है, मैंने उसको छोड़ा था। मैंने कहा नहीं, ये इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस थोड़ा ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है, नया कॉलेज है, AFM में था, AFM से में था, बट देन अल्टीमेटली आई सेटल्ड हुआ है। तो अच्छा लगा यहाँ कि मुझे लगा कि यार
बीएचओ ने या मालवीय जी की नगरी ने जो दिया है शायद कहीं और नहीं मिल पाता, जो दिया है वो शायद अभी तक मैं उसको भुला नहीं सकता, जो एक हमको संस्कार दिए, जो एक नींव हमारी इतनी अच्छी बनाई जिसकी वजह से हम आगे एक महल बना सके। किसी भी इमारत के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये फाउंडेशन जिसकी ईंटें शायद कभी दिखाई नहीं देती, जिस ईंटों ने कभी हवा पानी धूप कभी रोशनी नहीं देखी होती, पर उन्हीं के ऊपर एक बुलंद इमारत खड़ी। तो ईंट जो नीम बनना और उसके ऊपर एक इमारत खड़ी करना, ये शायद संस्कार मालवीय जी की नगरी के बीएचयू में मिला। अगर मैं बोलूं सर बीएचयू के दिन में ऐसा कोई पहल जो अभी तक आपको याद हो रहा, बहुत मुस्कुराते हैं उसको सोच करके, पढ़ाई के अलावा शरारती तो थे कि मेडिकल में रैगिंग बहुत होती थी उस टाइम, मुझे जो सुना है होती तो आपके टाइम क्या रैगिंग थी फर्स्ट ईयर में? बहुत होती थी और हमारे सीनियर्स हमसे काम भी बहुत करवाते थे अपने, जिनके लेफ्ट ओवर क्लास का होता था, मुझे लगता है काम तो करवा रहे हैं पर इसी बहाने में सीख भी तरह सीख भी रहे हैं, तो इसलिए राइट नाउ माइंड क्या हुआ कुछ इसी बहाने दोस्ती भी हो जाती थी। और तब मेरे सबसे बड़े भाई ये रांची के पास ही माइनिंग इंजीनियर, तो वहाँ वो जॉब करते थे, मैनेजर थे कोल माइन के, तो मैं वीकेंड में भाग जाता था कभी कभी कि भाई रैगिंग समझ जाएंगे, वीकेंड ज्यादा होती थी। और वैसे हमारा एक क्लास में भी हमने चार एक दोस्त थे जिसमें डॉक्टर सुधीर अग्रवाल अभी शायद थोड़ी देर में आएंगे, वो है एक सुरेश सलवार है और एक रवि है, हम चार लोग बड़े अच्छे दोस्त थे, बड़ी अच्छी दोस्ती थी, शरारत करते थे और चंडाल चौकड़ी के नाम से मशहूर थे शरारत के लिए, चंडाल चौकड़ी चौकड़ी के नाम से मशहूर थे, तो शरारती थे पर किसी का नुकसान नहीं करते थे। आप सीनियर हुए तो क्या रैगिंग किया अपने बच्चों के साथ? हमने करी पर उतनी खराब नहीं करी, जो चीज मुझे खराब लगती थी वो मैं नहीं करता था। ये मेरा जिंदगी का एक दस्तूर है कि मेरे को अगर कोई किसी अपने बड़े की चीज कोई खराब लगे मैं उसको आगे पसंद नहीं करता, ये मेरे कैरियर का मैंने कसूर बना रखा है। तो ये नाम चंडाल क्यों पड़ा फिर आपको? नहीं वो तो शरारती करते थे कैसा शरारत था जो चंडाल नाम पड़ गया आपका? नहीं हमने खुद डाला था। अच्छा आपने खुद ही डाला? खुद डाला था, खुद डाला था, खुद ही चुना आप लोगों ने? हाँ खुद ही चुना था। एग्जाम्स के दौरान जब एग्जाम्स आते थे तो कितना पढ़ाई किया करते थे? बहुत मस्ती करते थे, पढ़ते नहीं थे? देखो सर पढ़ाई एग्जाम किताब मिलती थी, मेडिकल फील्ड में किताब उतना ही पढ़ा थी, जो हमारे मैंने बोला हमारे टीचर्स इतने अच्छे थे, जो क्लास के नोट्स से जिस तरह पढ़ाया जाता था इतने कंप्लीट होते थे कि शायद बुक के ऊपर डिपेंडेंस बहुत कम होती थी। एक तो मेडिकल फील्ड में आपको रेगुलर होना बड़ा जरूरी है, अगर आप सोचो कि सारा साल मैं नहीं पढ़ूंगा एग्जाम से पहले 15-20 दिन मेहनत पढ़ लूंगा तो काम चल जाएगा, मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं होने वाला होता, क्योंकि इतना पढ़ना होता है कि अगर आप साथ साथ उसको पढ़ के उसको अप्लाई नहीं करते आएंगे तो आपके दिमाग में वो चीज कभी बैठेगी नहीं। एग्जाम से पहले मोटी मोटी किताबें लेके बैठोगे तो पेज जरूर पलट लिए जाएंगे, तो उसे याद कितारेगा वो फिर बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि हम साथ साथ रेगुलर थे तो एग्जाम के जस्ट पहले मस्ती करते थे शरारत करते थे। क्या मस्ती किया करते थे? कॉरिडोर में घूमने गाने गाते हुए, शिक्षा जा रहे हैं लोग सोचे पता नहीं क्या कर रहा है, एग्जाम ड्रॉप कर रहा है, एग्जाम में टॉपिक कर रहे हैं, एग्जाम के दिन पहले कॉरिडोर में गाने गा रहे हैं। एमडी में भी तभी ऐसी था, ये थोड़ा मेरे कुकिंग का भी शौक है, हॉबी है, थोड़ी बहुत गाने की भी हॉबी है, तो एमडी के एग्जाम थे तभी अपने हॉस्टल में अपने कुछ कुकिंग। कौन से गाने गाते थे सर, एक गाना सुनाना पड़ेगा? बड़े तरह के गाते थे, वो भजन भी गाते थे और आजकल थोड़ा गलत रहा है, सब तरह गाते थे, पुराने भी नए भी, बल्कि मैं तो आजकल की जनरेशन के गाने मुझे खैर उतने पसंद नहीं है जितने पुराने होते थे, क्योंकि उनके वर्ड का कुछ मीनिंग होता था, एक म्यूजिक में एक लय एक रिदम होती थी और वो जाता था हार्ट में किसी ने छूता था, मतलब एक सुकून मिलता था आत्मा को। आजकल के जो म्यूजिक कंपोजर हैं उनको बुरा ना माने, अगर मैं जो कहना चाहता हूँ सबकी बीट्स एक जैसी है, उसी बीट पे सारे चल रहे हैं और शायद हुड़दंग वाले नाचने के लिए चल रहे हैं, क्लासिकल नाच के लिए नहीं है। जो एक क्लासिकल नाच वो था जो आपको आर्ट के साथ साथ है कि आपकी आत्मा को भी सुकून पहुंचाता है। आजकल जो गाने वो आपको फिजिकल एक्साइटमेंट दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के, पर देख फिजिकल एक्साइटमेंट तो हमेशा थोड़ी देर के लिए होती है, असली सुकून जो आपको मिलता है वो आत्मा का, वो आत्मा को जो छूने वाला आज की डेट पर संगीत या नाच गाना नहीं है। मैं सुनना जरूर चाहूंगा कि आत्मा को छूने वाला संगीत आप कैसे गाते हैं? देखिए एक जो मैं कह रहा था बीएचयू ने बहुत कुछ दिया, सबसे बड़ी चीज जो संस्कार एक फाउंडेशन का जो बेस दिया वो मालवीय जी की नगरी से मिला, और यही जो तुलसी जी की नगरी भी है रामचरितमानस की रचना की गई, तो वो एक भक्ति एक डॉक्टर का फील्ड और स्टूडेंट होने के नाते शुरू होती है, असली डॉक्टरी जब एक भक्ति है। अच्छा असली डॉक्टर भक्ति है? भक्ति है, ये प्रोफेशन भक्ति का प्रोफेशन है, आजकल कमर्शलाइज हो गया बात अलग है, पर इसलिए इसका वो चार्म
कम होता जा रहा है, लोगों का भी इंटरेस्ट कम होती जा रही है। तो एक वक्त था जब लोग डॉक्टर को भगवान समझते, अभी भी समझते हैं सर, अभी भी समझते हैं, पर थोड़ा सा डेंट लगना शुरू हो जाए दुख होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सब लोग ऐसे होंगे, कुछ गिने चुने अगर ऐसे होंगे तो सर पूरे कम्युनिटी के लिए बदनाम करना ठीक नहीं होता। ऐसे कुछ खराब लोग तो देखो हर युग में रहे हैं, जब राम तो रावण भी थे, और जब कृष्ण थे तो कंस भी थे, और उससे पहले वो हिरण्याक्ष भी थे, सब कुछ थे। तो जब अच्छे लोग हैं तो साथ में बुराई तो हमेशा चलती आ रही है, वो सृष्टि का हमारे प्रभु का जो भी एक अरेंजमेंट किया हुआ है उस हिसाब से है। पर मेडिकल प्रोफेशन एक ऐसा है जो ट्रेडिंग वाला प्रोफेशन नहीं होना चाहिए। अगर पैसे कमाने तो बड़े सारे और बड़े सारे और धंधे हैं, ये तो देने का लेने वाला नहीं, ये भक्ति है इसमें। और इसलिए यहाँ रह के बल्कि जो उनका नव भक्ति का ज्ञान जो भगवान राम ने शबरी जी को दिया था, जो वेद जब उन्होंने खिलाए थे, तो उसको जब भक्ति का ज्ञान दिया था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भी रामायण में उसको बड़े अच्छे तरह से चरितार्थ किया गया था एक गाने या भजन की फॉर्म में, मुझे अच्छा लगता है। मैं आपको ये शबरी जी को दिया गया नव भक्ति ज्ञान जो एक लय की फॉर्म में है, सरल भाषा में आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आप कोरिलेट करेंगे, हाँ जिंदगी में ये चीजें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, अगर ये हम अडॉप्ट कर लें शायद बहुत सारी तकलीफें हर एक की लाइफ में कम हो जाएंगी या खत्म हो जाएंगी। तो उसको आपके सामने बताता हूँ। प्रथम संत सत्संग सुहाना, साधु संग से उपजे ज्ञाना, दूजी भक्ति परम सुख दाता, चित्त लगा सुन प्रभु की गाथा, तज अभिमान करो गुरु सेवा, ब्रह्म विष्णु शिव सम गुरु देवा, हो निष्कपट प्रभु गुण गायन, करे सो पावे राम रसायन, दृढ़ विश्वास राख निज अंतर, राम मंत्र कर जाप निरंतर, इंद्रिय वश कर चरित संभालो, सदगुरु धार धर्म नित पालो, सारा जगत राम में जानो, प्रभु से अधिक संतों को मानो, एक संतोष सकल सुख लाए, सपने हुगे नो न दोष पराए, सरल प्रकृति निश्चल व्यवहारी, प्रभु पर राखो भरोसो भारी, कोई भी स्थिति हो जीवन में, हर्ष विषाद न रखना मन में, नवधा भक्ति हृदय जो राखे, प्रभु कृपा का फल वो चाखे, प्रभु कृपा का फल वो चाखे, प्रभु कृपा का फल वो चाखे। बहुत सुंदर है सर, बहुत सुंदर है। और सर आप जिस भक्ति की बात कर रहे हैं, जिसने गुरु को डिस्क्राइब किया, मन को डिस्क्राइब किया है, आपकी कार्यशैली को डिस्क्राइब किया है, निश्चलों के कार्य कर, बहुत मतलब रखता है। मैं इसको सुनूंगा बार बार और कोशिश करूंगा, अच्छा कोशिश करूंगा कि और भी लोग सुने इस गाने को। इसीलिए सर हम अपने धर्म के प्रति इतना सजग रहे तो इतनी गलत चीजें हो ही ना, अगर इतना ही अगर हम भगवान को मान ले, उनकी बातों को सुन ले। आज की जो मृत कृष्णा आडंबर वो शायद खींच रहा है, हम अपने रूट्स को भूल रहे हैं, भूल रहे हैं। वो अगर हम रूट्स में कायम रहे तो जो फल जो मिलेंगे वो तभी मिलेंगे, वो पेड़ अगर सुदृढ़ अगर होगा तो। आज के हम फल के पीछे पहले दौड़ते हैं और अपनी रूट पे छोड़ के दौड़ते हैं। सर आपकी जीवनी में आप इतने जो नॉलेज बताया कितने को फॉलो करवाते हैं? कोशिश करता हूँ सभी करने की, कोशिश करता हूँ। कभी मैंने हर्ष विषाद न रखना मन में, कोई चीज मिले ना मिले, आई मिल द सेम। अभी डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर सुधीर जी के बारे में बात करें तो जो चंडाल चोपड़ी जो चार फ्रेंड मौजूद थे जो बदमाशी किया करते थे, शैतान हुआ करते थे, आज हमारे साथ डॉक्टर सुधीर जी भी मौजूद हैं। सर अगर मैं आपसे पूछूं आप लोगों के बारे में, शरारती सब ज्यादा कौन था, क्योंकि आपको तो सीधा बता रहे हैं। देखिए मैं बेसिकली सीधा,
था और वो भी लेकिन जब हम लोग चारों एक साथ मिलते थे और हम लोग के अंदर की पूरी केमिस्ट्री चेंज हो जाती थी और हम लोग में ऐसी शैतानी आ जाती थी और इसीलिए हम सारे सीधे थे तब भी अब भी मिलकर थोड़ी देर के लिए मैंने सिर्फ फन से के लिए नॉट टू हार्म एनीबॉडी जस्ट टू ऐड फन की पढ़ाई मैंने बोला मेडिकल पढ़ाई काफी डिमांडिंग होती है काफी सीरियस होती है तो थोड़ा बीच में टाइम मिलता था थोड़ी शरारत करते थे जैसे कि एक बेंच पे अगर बैठे हम चार बैठे दूसरा कोई बैठे तो धक्का मार के उससे हम लोग एनर्जाइज हो जाते थे और फिर अपनी पढ़ाई में लग जाते थे तो हम लोग पढ़ते इतना ही थे जितना रिक्वायर्ड है पढ़ाई में सारे अच्छे थे सब अपने अपने यही अच्छा काम कर रहे हैं तो यही रह गए सुरेश लखनऊ में सुरेश तलवार है और टॉप मोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट है नॉलेज स्पेशलिस्ट है और रवि आओ जगह सिविल से के ग्रेजुएशन बनने का चाइल्ड स्पेशलिस्ट अपने बाराबंकी में जाकर अपना कैरियर अच्छा वहां पे हम लोग 1972 में आए थे यहां पे मतलब ऑलमोस्ट 40 जब जन्म नहीं हुआ था मेरा 46 इयर्स डॉक्टर राजेश ग्रोवर के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तीन सब ऐसे जो अभी भी आपको याद करके उनके बारे में याद आ जाती है ऐसे कुछ ऐसी शरारतें या ऐसी बातें जो कभी भी आप आंख बंद करें डॉक्टर राजेश ग्रोवर से का नाम आ जाए आपके मन में अगर वो होते तो ऐसा करते थे ऐसा कुछ करते थे देखिए ये डिफरेंट है और हमेशा से इनका था कि मैं बाकियों से अलग चीज करूँ और आज भी आप अगर आप अपने पीएम मोदी जी को ले वो ये भी चाहते हैं कि आप में इनोवेशन होना चाहिए इनोवेशन होना चाहिए तो इनमें वो चीज शुरू से थी कि हम भीड़ वाली को जाना चाहते हैं मैं बाकी से अलग रहूं अच्छा और अलग होने की वजह से आज आप देखते हैं कि वो एकदम टॉप पोजीशन पे है हाउ डू यू फील सर लाइक यू आर अ फ्रेंड ऑफ हिम यू मीन यू आर अ वेरी गुड डॉक्टर डूइंग अ गुड वर्क सो हाउ डू यू सी हिम बाय हिम व्हेन ही इज वर्किंग लाइक जब ये काम करते हैं आप उनको देखिए क्या लगता है आपको देखिए इनमें डिवोशन भी है डेडिकेशन भी है डिटर्मिनेशन भी है सारी चीजें हैं इनमें अगर कहें कि ये चार घंटे सोते हैं पांच घंटे सोते हैं या छह घंटे सोते हैं हमको लग रहा है वो बहुत सोते हैं रात को 11 बजे तक भी काम करते हैं 12 बजे तक भी काम करते हैं अभी भी 4 बजे देखें तो भी है जगह रहते हैं ऑनलाइन रहते हैं तो ये सोते कब है ये सवाल है मेरा सोते कब है कब सोते हैं एंड हाउ यू बिकम लाइक सो एनर्जेटिक हंस रहे हैं मुस्कुरा रहे हैं अभी मैंने फोन पे बात करते हुए सुना आपको 2 बजे आप उठ गए जो अभी तक तुम गुटखे तंबाकू की बात कर रहे थे स्ट्रेस से जब केवीडो पॉइंट डॉक्टर ने किया था उस समय रिसर्च और क्या वो रेलिवेंट आज भी है बिल्कुल है भाई मैं क्या बताऊं 1978 में जब डॉक्टर केन उनका काम है ये टॉपिक मेरे डिपार्टमेंट में दिया था रोल ऑफ स्ट्रेस इन लंग कैंसर तो मैं तो उस समय यहाँ पे सेकंड ईयर जूनियर रेसिडेंट था जजबात में अच्छा हम लोग एक तरह से रिलेटेड या पूछा तो मेरे अंदर मैं हंस रहा था मैंने कहा ये कौन सा टॉपिक दे दिया हमारे डायरेक्टर साहब ने परेशान कर स्ट्रेस से भी कहीं कैंसर होता है भाई हम लोग तो मतलब था कि भाई सिगरेट पी रहे हैं कुछ खा रहे हैं यही सब कर रहे हैं तंबाकू ले रहे हैं पान खा रहे हैं इससे कैंसर होते हैं और स्ट्रेस कैंसर ये कोई टॉपिक है लेकिन देखिए 1978 और आप देखिए 2018 मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब इतने साल पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में ये चीज मतलब लोअर का देखिए उस समय ही आ गया था उस समय आ गया था उस समय गिनी पिग्स में किया गया था और अब देखिए अब जो डेटा हम लोग के पास आ रहा है बाहर से आ रहा है कि कोई कह रहा है 33 कोई कह रहा है 34 कोई कह रहा है 35 मतलब मोर देन 35 डिफरेंट केमिकल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स बॉडी में आ रहे हैं केमिकल्स आ रहे हैं ऐसे जो कार्सिनोजेनिक है जो लंग कैंसर कर रहे हैं अच्छा हमारे पास जो हम लोग को बड़ा खराब लगता है जब एक 65-70 साल का आदमी या कोई आ रहा है कि डॉक्टर साहब की पूरी जिंदगी मैंने एकदम सात्विक जिंदगी कुछ नहीं खाया कुछ नहीं खाया कुछ नहीं किया ना शराब पी ना सिगरेट पिया और हमको आप कह रहे हैं कि लास्ट स्टेज कैंसर है कैसे हो गया तब बड़ा सही में खुद रोना भी आता है और एकदम तकलीफ भी होती है कि इसने पूरी जिंदगी निकाल दी और इस तरह फिफ्टी का कैंसर है आप ये जानते हैं कैंसर कॉम्प्लेक्स इंटरप्लेक्स सो मेनी फैक्टर्स कुछ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कुछ आपके अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट के भी उस इंटरनल एनवायरनमेंट को आप एक्सटर्नल फैक्टर से जरूर डिस्टर्ब करते हो पर कई बार आपकी अपनी खुद
आपकी जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक कंपोजिशन है शरीर की स्ट्रेस वाली से बात आ रही है और अपने जेनेटिक प्रेडिस्पोजिशन आ गया। जैसे हम कहते हैं कई स्मोकर्स हैं, लोग बड़ा विंस्टन चर्चिल का एग्जांपल देते हैं कि वो चेन स्मोकर है, लिव फॉर 99 इयर्स, कैंसर नहीं हुआ, सबको कैंसर नहीं होता। तो उनको की और कई नॉन स्मोकर हो गया जैसा एग्जांपल बता रहे हैं। तो वही है ना कि जरूरी नहीं कि जो स्मोक करने वाले हैं 100 में से अगर 40 को हो रहा है या 50 को हो रहा है तो नॉन स्मोक करने वाले 100 में से 10 को होगा, क्योंकि उनके और फैक्टर्स होंगे। और सारे स्मोकर्स को इसलिए नहीं हो रहा कि उसके शरीर में और भी कुछ प्रोटेक्टिंग फैक्टर होंगे जो उसके स्मोक करने के बावजूद नहीं हो रहे, चाहे वो चेयरफुल टाइप है या और कुछ, जैसे शरीर के अंदर जेनेटिक कंपोजिशन ऐसी है। क्योंकि मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूँ कि कैंसर का होना शरीर में जो बिल्कुल वैसे है समाज में चोर सिपाही का खेल है। शरीर के अंदर कैंसर प्रमोटर जीन्स भी हैं, कैंसर सप्रेसर जीन्स भी हैं। हम अपनी आदतों से या लाइफस्टाइल से या एनवायरमेंटल ऐसे कुछ फैक्टर से अगर हम कैंसर सप्रेसर जीन को सप्रेस कर दें जो बॉडी में प्रोटेक्ट करने वाले हैं, दे आर द वन जो कैंसर होने को सप्रेस करते हैं, हमने उन जीन को नुकसान कर दिया। पुलिस को आपने कमजोर कर दिया तो चोर हावी हो जाएंगे, चोर हावी हो जाएंगे। या हम कुछ ऐसी अपनी आदतें करें जो कैंसर प्रमोटर जीन जो है उनको हमने ओवर स्टिमुलेट कर दिया, ओवर एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे सप्रेसर जीन थे भी सही पर ये ओवर स्टिमुलेटर को ओवर पावर कर रहे हैं। तो बड़ा बैलेंस शरीर में रहता है, नेचर ने शरीर को बहुत एक अच्छे बैलेंस कॉम्प्लेक्स मशीन बनाई है। अगर हम इसको ठीक से इस्तेमाल करें तो उसको साथ तक कलयुग में भी साथ देंगे इसकी बात में। पर हम अपनी कुछ तो आदतें बिगाड़ लेते हैं और साथ से निगलेक्ट भी करते हैं, अपने आप को केयर नहीं करते। अगर वो करें तो बहुत सारी बीमारियां हम अवॉइड कर सकते हैं या उस स्टेज में पकड़ सकते हैं जब अभी वो पोटेंशियली क्योरेबल होती है। तो ये ट्यूमर प्रमोटर और ट्यूमर सप्रेसर जीन का शरीर के अंदर बैलेंस बिगाड़ने के लिए बड़े सारे फैक्टर्स हैं, स्ट्रेस इज वन ऑफ दोस फैक्टर्स। पॉज करके ये चीज खाली करना पड़ेगा, सारा वीडियो में आ रहा होगा थोड़ा सा। सर स्ट्रेस, स्ट्रेस के अलावा और कौन से रिलेवेंट फैक्टर्स हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं या उन लोगों को अफेक्ट करते हैं? टोबैको इज वन ऑफ फैक्टर्स इन एनी फॉर्म, जैसे स्मोकिंग, चूइंग, नस नसवार में किसी लोग लें, टूथ पेस्ट में जैसे भी लें, ये कहीं ना कहीं जाकर नुकसान करता है। डाइट इटसेल्फ हैज अ मेजर रोल, ऑलमोस्ट 1/3 केसेस में डाइट आल्सो इज रिस्पांसिबल। कीपिंग दैट इन माइंड प्रोबेबली आवर इंडियन डाइट इज अ लिटिल मोर प्रोटेक्टिव, जिसमें फाइबर काफी है, विटामिन कंपोजिशन काफी है, मसाले वगैरह काफी हैं जो स्टिमुलेंट हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हल्दी वगैरह काफी इस्तेमाल करते हैं। आज भी हल्दी की ओर काफी रिसर्च होकर आ रही है जो कैंसर को प्रोटेक्ट करती है। नॉट ओनली कैंसर, बड़ी सारी ऐसी क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हैं, हल्दी के अंदर ऐसे केमिकल्स हैं जो उसको प्रिवेंट करती है, प्रिवेंट करते हैं। और हम हल्दी नॉर्मली ऐसे लेते हैं तो दैट मींस हमारी जो शुरू में जो नॉलेज हमारे शास्त्र में जो थी वो ऐसा ही नहीं थी, साइंटिफिक बेसिस का था, हम ही उसको नहीं पहचान पाए। अब बाहर से वो चीज प्रूव किया हम कहते हैं हाँ भाई अभी साइंटिफिक हो गया। तो शुरू हर चीज में हमारे जो एक कंपोजिशन खाने का भी था या सुबह उठने का था या योगा मेडिटेशन का था, वो आज की डेट में जब दुनिया उसको साइंटिफिक प्रूव कर रही है तो हम लग रहा हम भी रेलेवेंट। ऐसा तो हो ही रहा है कि इंडियन जो है वो अपने कल्चर को भूल के वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं और वेस्टर्न कल्चर अपने कल्चर को भूल के हमारे डाइट में भी ऐसा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स आर बिकमिंग मोर इंडियनाइज्ड इन देयर डाइट, वो हाई फाइबर की तरफ जा रहे हैं, नॉनवेज कम कर रहे हैं, फ्रेश फ्रूट्स और सैलेड अपने मील्स में काफी ले रहे हैं और हम लोग फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं। So Indians are becoming Americanized and Americans are becoming Indianized. So we are becoming influenced now. Oh yes. क्योंकि होता भी जैसे smoking की जो habit है बाहर के कंट्री में धीरे-धीरे अब decline पे है। हाँ। हमारे कंट्री में rise पे है। Rise पे है। जबकि बाहर एक आदमी अपना नुकसान देख चुका है तो हम उसे ही सीखना जरूरी थोड़ी कि हम भी वही नुकसान खुद भुगते हैं। भुगते हैं। और कम करना शुरू करें। ठीक है, उसमें कुछ टोबैको लॉबी का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस रहता है प्रमोट करने में बिजनेस को, नहीं तो गवर्नमेंट चाहे तो रोक सकती है। रोक सकती है। क्योंकि ये भी देखा गया स्टडी करके कि टोबैको से जो आने वाली डायरेक्ट रेवेन्यू गवर्नमेंट को दिखती है, रेवेन्यू आ रही है, बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा जो हेल्थ में लॉस जो होता है वो इंटेंजिबल इनडायरेक्ट लॉस है, शायद गवर्नमेंट को दिखता नहीं है। जो मैन आवर जो लूज हो जाते हैं, जो डेथ हो जाती है, वो जो नुकसान है वो इस रेवेन्यू से बहुत कहीं ज्यादा है। पर ये उनको अब पहचानने की जरूरत है कि इसको कैसे कंट्रोल करें। बहुत रिलेवेंट सवाल है सर। ओवरनाइट आप नहीं बंद कर सकते, मान लीजिए इसके साथ बहुत सारे लोग अब उस ट्रेड में जुड़ चुके हैं, सडनली जॉबलेस हो जाएगा, सोशल अनरेस्ट आ जाएगा, बट वी नीड टू हैव ए डाउन द लाइन 10 साल में 15 साल में उनको बोलो भाई धीरे धीरे स्विच आउट सम अदर ट्रेड विच इज मोर ह्यूमन फ्रेंडली। पैसा ही कमाया फिर ये चरस गांजा हेरोइन जो बंद कर रखो उसमें वापस आ जाएगा, तो वो भी तो रोक रहे हैं। ये भी रोक रहे हैं। अगर
जो बीएचयू में लोग रह रहे हैं हाँ। या जो आसपास रह रहे हैं हाँ। तो सुबह उठ के हाँ। पौने पांच पांच बजे हाँ। और अगर बीएचयू के अंदर आए वॉक करें और 10-15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा यहाँ निकालें हाँ। चाहे वॉक ना भी करें हाँ। बैठ जाए हाँ। जो उनको शांति मिलेगी मिलती है गजब की शांति मिलेगी। दिन भर उनको लगे करे गर्मियों में आप जब लंका से अंदर घुसेंगे तो डिफरेंस उस समय ही दिखता है जब ठंड लगेगा अंदर आते ही और बाहर इतना पॉल्यूशन इतना डस्ट विजन नहीं है लॉन्ग टर्म वाली 25-25 प्लॉट देखे बनूंगे जो भी रह रहे 25-10 के प्लॉट के अंदर एक एक कमरे के अंदर उनकी सोच वही हो जाएगी ट्यूबुलर विजन हो जाएगी फ्रेश हवा नहीं आ रही हाँ। रोशनी नहीं आ रही जो सूरज से जो बड़ी आज की डेट में हम सब लोग हम देखें वाइटामिन डी की डेफिशिएंसी सबको हो गई सब एयर कंडीशन हाँ। वाइटामिन डी के सन को एक्सपोजर होता नहीं हाँ। बंद बंद सब कमरों के अंदर बैठे हुए एयर कंडीशन बैठे हुए हाँ। घर आपके ऐसे कि उसमें धूप रोशनी नहीं आती इस हाई टाइम यू शुड स्टार्ट थिंकिंग। अब अमेरिका या रशिया आपसे बहुत बड़े कंट्रीज हैं और हमसे बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ भी कितने मल्टी स्टेट क्यों बने हुए हम 25-25 प्लॉट देकर सोचा मैं बड़ा लोगों की मदद कर दी हाँ। वो 25-25 प्लॉट देकर आपने उसकी विजन को ट्यूबलेट कर दिया बिल्कुल बांध दिया उसको उसको फ्रेश हवा रोशनी करने के लिए रहने की जगह दी सोच उसकी वही जाती है कि हर चीज छोटी ही सोचता है। अब मल्टी स्टेट बनाइए उसको ढंग के रहने की जगह दीजिए चारों तरफ उसका हवा रोशनी उसमें आए निकलने का इमरजेंसी सर्विस निकलने की गाड़ी का रास्ता हो। अब जिन गलियों में आप दिल्ली में तो हम देखते हैं बहुत शहरों में दुकान में ऐसा है कभी इमरजेंसी हो जाए तो आपकी एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच सकती फायर नहीं पहुंच सकती सर गलियां इतनी छोटी है ट्रैफिक कितना होता है इस हाई टाइम के हम गाड़ियां सोचा लॉन्ग टर्म विजन सोचा बाहर से ही सीखने का खुद नहीं सीखना मांग रहे तो कि बड़े बनाओ लोगों को अच्छी रहने की जगह दो जिसमें उनको हवा रोशनी पानी अच्छे से ढंग से मिले चारों तरफ से ओपननेस आए लोगों की सोच भी उस हिसाब से बदल जाएगी। फिर जितना हॉरिजॉन्टली फर्क जाएंगे 25-10 के उतनी आपकी सर्विस की लेंथ कितनी बढ़ जाती है। अभी वर्टिकल टावर एक बना दो तो आपकी जो ट्रैवलिंग डिस्टेंस है सर्विसेज का जो आपने टेलीफोन बिजली पानी की तारें जो लाइनें जो जा रही हैं उसका लेंथ उनकी लेंथ कम हो जाती है कम इज इजियर टू मेंटेन बेटर। जो 100 मंजिल की बिल्डिंग अमेरिका में रशियन वॉरियर क्या जरूरत है उनके उस लैंड की कमी थोड़ी हम लोग जो 1972 में रिक्शे से जाया करते थे यहाँ से आनंद मंदिर अभी भी रिक्शे नहीं नहीं आनंद मंदिर अब उतना टाइम अब अगर हम फोर व्हीलर में जाते हैं तो फोर व्हीलर में उससे ज्यादा टाइम लगता है पर ये तो आने वाले 10 साल उसका बच्चा रिक्शा वो तो चलने चाहिए आज की डेट में जैसे डॉक्टर साहब ठीक बोला ये गाड़ी ज्यादा टाइम लगा क्यों हेटेरोजेनियस ट्रैफिक कितना हो गया उसमें बैलगाड़ी चल रही सुबह में आने से एयरपोर्ट सारा 10 समय बैलगाड़ी भी चल रही है रिक्शा भी चल रही है साइकिल भी चल रही है टाटो भी चल रहा है सब कुछ चल रहा है ये धीरे धीरे मान लिया वो पॉल्यूशन नहीं करते पर ट्रैफिक को इतना स्लो कर देते हैं कि बाकी का फिर पॉल्यूशन होना शुरू हो जाता है फिर लोगों की उस आसपास नहीं हुआ ड्राइविंग सेंस पूरे हिंदुस्तान में देखता हूँ वही कहीं रॉन्ग साइड चलना रेड लाइट जंप करना मैं जल्दी निकल जाऊँ वो देख लेना नॉट रियलाइजिंग कि मैं अपनी जल्दी निकलने चक्कर में दूसरों को लेट कर रहा हूँ मेरे को किसी दुकान से सामान लेना दुकान के सामने गाड़ी खड़ी कर दूंगा रियलाइजिंग पीछे सारा ट्रैफिक जाम हो रहा है तो ये कुछ हमारे उम्मीद है मोदी जी इस तरह कर रहे हैं कुछ एक दो चीजें भी आज के डेट में हमारे पास नहीं है या उतना भी एक्सपीरियंस नहीं है कुछ चीजों के लिए वो भी आने वाले वक्त में हर जगह से एक पार्टिकल थेरेपी एक मशीन होती है जिसकी कीमत काफी ज्यादा 250-300 होगी अभी तक नहीं है पर उम्मीद है जल्दी वो भी शुरू हो जाएंगे हमारे देशों के सेंटर्स में आ जाएंगी। अदरवाइज वी हैव सम गुड सेंटर्स अभी उतने नहीं है जितने चाहिए जैसे मैंने कि हमारे देश में आज की डेट में साल के करीब 14 लाख कैंसर के नए केसेस बनते हैं हर साल 14 लाख के नए केसेस जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है आज की डेट में हाँ। अब मुझे नहीं पता ये डाटा कितना कम्प्लीट है कितना इनकम्प्लीट है किस तरह से हम पूरे देश में कैंसर रजिस्ट्री नाम की चीज नहीं है करीब 30-32 जगह कैंसर रजिस्ट्री चल रही है ICMR की तरफ से और उसी डाटा को हम पूरे कंट्री में एक्सट्रपोलेट कर रहे हैं। ट्रीटमेंट की बात कर रहा था कितना पॉसिबल है इंडिया में किस तरीके की सुविधाएं अवेलेबल हैं और दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहां पे किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सुविधाएं देश में हैं पर जितनी होनी चाहिए उससे कंपैरिजन में बहुत कम है।
बहुत कम है, जरूरत काफी बढ़ाने की है। और अच्छा, अच्छी बात है कि सरकारें हर देश की भी और प्रदेश की भी, काफी सारे स्टेट्स की भी गवर्नमेंट्स इस चीज के लिए काफी जागरूक हो चुकी हैं, और काफी सारे स्टेट में अच्छे कैंसर इंस्टीट्यूट विद कम टोटल मॉडर्न फैसिलिटीज हर डेवलप हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी काफी सपोर्ट मिलता है और काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बन रहे हैं, पर जरूरत अभी बहुत ज्यादा गैप काफी है जो जिसको ब्रिज करना है। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में आज की डेट में करीब करीब 14 लाख नए कैंसर केसेस बनते हैं हर साल, 14 लाख नए केसेस बन रहे हैं, और ये डेटा 2020 तक हमको उम्मीद है, मतलब डर है इस बात का कि ये करीब 17 लाख हो जाएगा, और 2030 तक आते आते 25 से 28 लाख के बीच में हो जाएगा। नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे, कई सारे फैक्टर्स हैं उसकी वजह से, जिसमें हमारा लाइफ स्टाइल का भी है, सेडेंटरी लाइफ का भी है, पॉपुलेशन साइज भी है, और लॉन्जिविटी इम्प्रूव लॉन्जिविटी भी है। अब जब लंबी लाइफ के जो पेशेंट्स हैं वो थोड़े पब्लिक है, थोड़ी ज़्यादा होगी, प्रोपोर्शन बढ़ेगा, तो कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी आज की डेट में हमारे कंट्री में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, लेवल के हिसाब से इंसिडेंस कम है। डेवलप्ड कंट्रीज में जो कैंसर का इंसिडेंस है 300 to 350 per 100,000, मतलब हर 1 लाख में साल में 300-350 नए केसेस बनते हैं। हमारे कंट्री में डेटा जो है वही 100-100 के आसपास है। नॉर्थ ईस्ट में जहाँ टोबैको की हैबिट काफी ज्यादा है, काफी रैम्पेंट है, वहाँ करीब 200-250 per 100,000 के आसपास है, पर नेशनल एवरेज लिए तो 100-110-120 के बीच में आती है। वो डेटा कितना कंप्लीट है कहना मुश्किल है, पर जो भी आज की डेट डेटा है उसके हिसाब से 120 के आसपास के एवरेज हम लेके चले तो करीब करीब 130 थोड़ी पॉपुलेशन में, 132 थोड़ी पॉपुलेशन में 14 लाख केसेस का एक डेटा निकलता है। और अब धीरे धीरे करके जो लाइफ स्पैन बढ़ेगा, लॉन्जिविटी इंप्रूव होगी, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो कुछ लाइफ स्टाइल चेंज होने की वजह से भी, जैसे टोबैको की हैबिट अभी भी बढ़ रही है जो धीरे धीरे खत्म होनी चाहिए, पर अभी भी हमारे यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिसका कहीं कभी किसी को फायदा नहीं होता। लोगों को एक भ्रम है, ये गलत धारणा है कि तो तंबाकू से उनको शायद शरीर में ताकत आएगी। कई बार मैं लेबर क्लास मजदूर से बात करता हूँ, भाई क्यों ये करके अपनी जो जीवन की रेखाएं हैं हाथ में खाने को रगड़ के जीवन की रेखाएं तो मिटा रहे हो, क्यों उसको आप खाते हो? कहते नहीं, इसके बिना इतना मेहनत मजदूर का काम करते हैं, वो करेंगे कैसे? उनको ये समझना जरूरी है कि ताकत इससे नहीं आएगी, ताकत आप अच्छा खाना खाओगे तो उससे आपको आएगी, शरीर को तंदुरुस्त रखोगे तो उससे आएगी, और तंबाकू से शरीर तंदुरुस्त नहीं रहेगा। आपको एक टेम्परेरी एक शुरू में एक उस जो शुरू में आता है यूफोरिक के इफेक्ट जो होता है टेम्परेरी शुरू में आता है, बाद में वो भी इफेक्ट खत्म हो जाता है, पर एक साइकोलॉजिकल एक लगा हुआ है, शायद मैंने तंबाकू खा लिया ना अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो ये तो एक आपकी साइकोलॉजिकल एक स्ट्रेंथ है, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और किसी और चीज भी आप ले सकते हैं, वो योगा है, आप बिल्कुल एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा बहुत बड़ी चीज है, साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ आपको दे सकते हैं, उससे आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, जो आपको तंबाकू पर खर्चा है वो भी आपका बच जाएगा, उससे आप अच्छे खान पान में अपने रहने में अपने बच्चों की पढ़ाई में अच्छे से कर सकते हैं। अभी आप आत्मा को संतुष्ट करने की बात कर रहे हैं, वो अगर आत्मा संतुष्ट है तो जैसे आप है सोते ही नहीं लेकिन फिर भी इतने एनर्जेटिक है, क्योंकि करना बहुत कुछ है, करना बहुत कुछ है, अभी बहुत कम हासिल किया है। इनिशियल स्टेज पे पता, मतलब क्योंकि कैंसर की ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि हमें थर्ड और फोर्थ स्टेज में पता चलता है, तो शायद आपके हाथ में भी बहुत कुछ नहीं होता, उसका ट्रीटमेंट संभव नहीं हो पाता, इनिशियल स्टेज या फर्स्ट स्टेज में ही पता चल जाए, उसके क्या तरीके हैं और कैसे पता कर सकते हैं? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी। कुछ कैंसर स्पेशली जो हम बच्चेदानी मुंह का कैंसर जिसको कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर, ये वो कैंसर है जो कैंसर बनने से 10-20 साल पहले पता लग सकता है। 10-20 साल पहले प्री कैंसर से एक सिंपल पैप स्मीयर टेस्ट कराना है किसी को, वो भी नहीं कराते हैं। ऐसे ही मुंह का कैंसर जो काफी कॉमन हमारे देश में, फिर तंबाकू की आदतों की वजह से या पुअर ओरल डेंटल हाइजीन की वजह से, उनकी सफाई अच्छे से नहीं रखते, दांत शार्प है, या बहुत तेज मिर्च मसाले, बहुत तेज गर्म खाना खाते हैं, वो भी थोड़ा नुकसान करता है। तो वो सारे फैक्टर्स वजह से कई बार कैंसर बनने से पहले, मुख्य कैंसर में हर केस में नहीं, पर काफी सारे केस में एक व्हाइट पैच जो कहते हैं ल्यूकोप्लेकिया, जिसको कहते हैं एक ल्यूकोप्लेकिया का पैच बन जाता है, जो उसको हम निग्लेक्ट करते हैं तो कैंसर में तब्दील होने के उसका खतरा होता है, माउथ में। अच्छा, तो अगर वो भी हम अपने, और मुंह तो हम रोज सुबह जब ब्रश करते हैं खुला करते हैं तो मुंह तो दिन में कई बार देख सकते हैं, वही देखते हैं गालों में या जबान पे कोई ऐसा व्हाइट पैच तो नहीं है, और उसके अलावा आपको कोई तकलीफ है या नहीं है। 40 साल की उम्र के बाद हम ये जरूर सबको सलाह देते हैं कि साल में एक दिन अपने शरीर के लिए रखिए,
साल में एक दिन निकालिए जिसमें आप शरीर का पूरा चेकअप करा लें, डॉक्टर भी देखें। सिर्फ लोग कई बार सोचते हैं ब्लड टेस्ट करा ले ठीक है, और बहुत सारे प्राइवेट लैब जो आपने आपने देखा अखबार में पढ़ा उनके क्या बनाते हैं, हाँ जी हजार के अंदर, हजार के अंदर 64 टेस्ट हो रहे हैं, ये हो रहा है। सर ब्लड टेस्ट एक सोल्यूशन नहीं है, उससे बहुत सारे ब्लड टेस्ट, बल्कि पहले कराना एक नासमझी भी है, क्योंकि जब पेशेंट को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं उसकी जब पर्सनल लाइफस्टाइल और उसका ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री वगैरह जब उसको हम की जानने की कोशिश करते हैं, तो उसके हिसाब से हम कुछ स्पेशल टेस्ट भी बताते हैं कि इस पेशेंट में इस बीमारी का खतरा थोड़ा ज्यादा है और इसके लिए हमको स्पेशल टेस्ट और क्या ऑर्डर करें। जो उनके रूटीन एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो जिसमें शायद कुछ भी कभी ना आए, हाँ ब्लड उसमें डायबिटीज का पता लग सकता है, शायद उसमें थायराइड की कमी तो पता लग सकता है, पर उनका भी पता लगना चाहिए। पर उसके साथ साथ और भी कोई बीमारी जो खतरनाक है जो हो सकती है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया है कि आप रेगुलर साल में एक बार इतने निकालिए टेस्ट करवाइए, क्योंकि टेस्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टेस्ट करवाएं। यस, तो इसलिए आप कौन से टेस्ट होने चाहिए, इसलिए जब किसी ऐसे जगह जाएंगे जहाँ पूरा आपको एग्जामिन करके बताया जाएगा, तो उसमें आपकी एक पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपकी एक जॉब प्रोफाइल के हिसाब से, आपकी पर्सनल लाइफ स्टाइल और हैबिट के हिसाब से कोई स्पेशल टेस्ट करने की जरूरत हो तो उस वक्त तो डॉक्टर पहले ही आपको देख के बता रहे ये जांच करवा लीजिए। ऐसे नॉर्मल टेस्ट्स की बात करूं तो कौन कौन से टेस्ट हर साल में हर व्यक्ति को करवा लेने चाहिए? मैंने आपको बोला वो मैं बताऊंगा, फिर वही गलती करूंगा जो फॉर्म में एंट्री हो जाती है, क्यों हर आदमी आके करा लेगा, पैसे खर्च करेगा, समझ निकलेगा नहीं। हमको कहीं देखना है कि इस पेशेंट के डाइटिंग हैबिट क्या है, इस डाइटिंग हैबिट से क्या कैंसर का रिस्क हो सकता है, आपके चांसेस में ग्लूकोप्लिकिया क्या है जो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल होता है, और बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के लिए एक पैप स्मेयर सिंपल टेस्ट होता है जिसको साल में एक बार नहीं करा सकते, दो साल तीन साल में एक बार करा लें तो भी कैंसर बनने से काफी साल पहले उसमें एक कंडीशन आनी शुरू हो जाती है। आज की डेट में देश में पहली बार दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट से, दिल्ली सरकार की तरफ से बच्चेदानी मुंह के कैंसर को बचाने के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू किया फ्री। अच्छा, उसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, क्योंकि आज की तारीख में दुख के साथ कहना पड़ता है कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की वजह से हर 8 मिनट में एक माँ की हमारे देश में मौत हो जाती है, हर 8 मिनट। और उस उम्र में जो 40-45 साल की एज है, जब बच्चे भी छोटे होते हैं, परिवार भी सेटल नहीं होता है, उस एज में अगर एक मदर की डेथ हो जाए तो एक परिवार के लिए, बच्चों के लिए कितना बड़ा आघात है ये शायद हर कोई समझ सकता है। अभी समाज के लिए तो उनका जो योगदान हो सकता है वो अलग छोड़िए, पहले अपने सबसे पहले अपने परिवार का योगदान जो खत्म हो जाए तो बच्चों के लिए क्या हालत होती होगी, और वो भी उस कैंसर से जो प्रिवेंटेबल है, जो प्रिवेंटेबल है, हाँ, जो प्रिवेंटेबल है, और जिससे जिसकी वैक्सीन अवेलेबल है, और दुनिया के करीब 70-72 देशों में ये वैक्सीन पिछले 8-10 साल से दी जा रही है। जी सर, 10-11 साल हुए इस वैक्सीन को आए हुए, और अब तक करीब पूरी दुनिया में 20 करोड़ बच्चों को दी जा चुकी है। ये नॉर्मल लोग भी कोई भी ले सकते हैं? नहीं, नॉर्मल लोग नहीं, ये बेस्ट एज उसकी होती है 9 से 13 साल के बीच में एक लड़की। अच्छा, मतलब जितनी भी लड़कियां जन्म ले रही है 9 से 13 साल के बीच में वैक्सीन लेना चाहिए, दैट इज द आइडियल एज जो WHO की तरफ से रिकमेंडेड है। और उसके बाद भी लग सकती है 14-26 साल में सेकंड उनका एक जो रिकमेंडेशन है, तो 9 से 13 साल की एज में उसके 2 डोजेस 6 महीने के फर्क पे, और 14-26 साल की एज के बीच में 3 डोजेस देने की जरूरत पड़ती है, जो आज के डेट में जो भी एक स्टैंडर्ड एक WHO की तरफ से एक रिकमेंडेशन है, और काफी सारी एसोसिएशन ने भी उसको सपोर्ट किया है। हमारे देश में यहाँ तक भी क्रम चल रहा है कि एक भी लगवा लें तो भी उससे कितना प्रोडक्शन मिल सकता है। हाँ। तो कई बार आपको बैलेंस करना पड़ता है बिटवीन कॉस्ट एंड बेनिफिट, पर अभी हिंदुस्तान में पहली बार दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के थ्रू दिल्ली सरकार के सहयोग से हमने ये बच्चियों के लिए, दिल्ली को सिर्फ दिल्ली रेजिडेंट्स के लिए है, शुरू किया है, पर बाकी और राज्य भी हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब ने शुरू कर दिया, सुना है उत्तर प्रदेश भी जल्दी शुरू करने जा रहा है, तमिलनाडु शुरू करने जा रहा है, तो धीरे धीरे इसको पूरे नेशनल लेवल पे एक करने की यूनिवर्सल इलिमिनेशन प्रोग्राम जाना चाहिए। पोलियो का देखिए बार बार करना पड़ता है, 5 साल के बाद ये सिर्फ 2 डोजेस चाहिए पूरे लाइफ टाइम में अभी तक। आज की डेट में जो भी नॉलेज है उससे यही अभी तक जो इम्प्रेशन है, जो एक अंडरस्टैंडिंग है मेडिकल वर्ल्ड में, ये 2 डोजेस लगाने से प्रॉबेबली लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, क्योंकि मैंने बोला कैंसर तो होता है 35-40-45 साल की उम्र में, वैक्सीन हम लगा रहे हैं 9 से 13 साल की उम्र में, 25-30 साल के बाद बेनिफिट होगा या नहीं होगा। पर आज की डेट में जो भी हमने डेटा एनालाइज किया है, चाहे 10-11 और वैक्सीन को लगता हुआ 10-11 साल ही हुए हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं 20 साल बाद इम्प्रूवमेंट करेंगे? तो जो इसकी वजह से शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनती है, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइकल कैंसर एक वायरस के इन्फेक्शन की वजह से 80-90% पेशेंट में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर या सर्वाइकल कैंसर होता है।
आज की डेट में हेड एंड नेक कैंसर में भी इसका एक रोल आना शुरू हो गया, जैसे लोगों की एक लाइफ स्टाइल और सेक्सुअल हैबिट चेंज हो रही है, तो कुछ केसेस में देखा गया कि मुंह के कैंसर में भी ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्वॉल्व है। उसके हम अपने देश के बच्चों के लिए स्टडी हम करने जा रहे हैं, पेशेंट्स के लिए कंट्री में कई सेंटर्स में ये साइमल्टेनियस स्टडी होने जा रही है, जिसमें हमारा सेंटर भी इसमें योगदान करेगा। बाहर के कुछ कंट्रीज में ये वैक्सीन लड़कों में भी देनी शुरू कर की जा चुकी है, लड़कों में भी क्योंकि ओरल कैंसर का इंसिडेंस भी इसका कोरिलेटेड था, पर हमारे यहाँ भी उसका इतना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम उसको भी रिकमेंड नहीं करते, पर बच्चियों के लिए हम जरूर ये जरूर करना चाहिए कि 9 से 13 साल की एज के बीच में दो डोजेज लगानी है, बहुत आसान है। और जो डेटा अवेलेबल है, जो मैं आपको कह रहा था, जो 10-11 साल से डेटा अवेलेबल है, उससे ये वैक्सीन लगाने के बाद 10-11 साल तक जो एंटीबॉडी शरीर में बनी है उस वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए, उन एंटीबॉडीज का लेवल शरीर के अंदर ऑलमोस्ट एक प्लेटू स्टेट लाइन बना हुआ है, अपने ड्रॉप नहीं कर रहा। तो जो भी एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो फॉर्मूले अवेलेबल है उससे ये उम्मीद लगती है कि 10-11 साल तक बिल्कुल ड्रॉप नहीं किया, वो आने वाले 10-12-20 साल तक वैसे मेंटेन रहेगा, उस इन्फेक्शन को होने नहीं देगा। और आज की डेट में 80-90% फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर का जो वजह है ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, तो अगर प्रिवेंट कर लें, भारत के हमारे कंट्री में बोला कि अभी भी नंबर 2 पर है ये सर्वाइकल कैंसर, जो इंसिडेंस करीब करीब 17-18 पर 100,000 पॉपुलेशन इन फीमेल्स है, तो भारत की कंट्रीज में ये 1-2 पर 100,000 है, तो हमको उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, हाँ, वो टारगेट रखना चाहिए। तो इसलिए हमको मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जनरल हाइजीन, डिलीवरी को हाइजीन, इन्फेक्शन से जो इंडिया में बहुत कम है, जो बहुत कम है। तो मैंने जैसे बोला ना कि कैंसर जो है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले मल्टीपल फैक्टर्स होता है, क्या हम कहते हैं कि ये पूर सर्वाइकल कैंसर पहले जैसे कहते हैं पूर सोशल इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा होता है, ब्रेस्ट कैंसर अपर सोशल इकोनॉमिक क्लास में ज्यादा होता है, वो हम क्लास डिफाइन नहीं कर रहे, बेसिकली होता है जनरली वी फील कि जो गरीब है, अनपढ़ भी है, वो हाजिम नहीं रख रहा, खाना भी अच्छे से नहीं खा रहा, शादी भी जल्दी हो रही है, बच्चे भी ज्यादा हो रहे हैं, 12 जल्दी जल्दी बच्चे हो रहे हैं, घर में डिलीवरी हो रही है, जो हाइजीनिक नहीं हो रही है, ड्रामा हो रहा है, तो एक कॉम्प्लेक्स एक वो बन जाता था कि इस ग्रुप में सारी चीजें होंगी, इसलिए सर्वाइकल कैंसर ज्यादा हो रहा है। और ब्रेस्ट कैंसर में अक्सर हम कहते हैं कि लेट एजेट मैरिज होगी, लेट एजेट फर्स्ट चाइल्ड होगा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होगी, तो जनरली होता क्या था, जो लेडीज पढ़ लिख रही हैं, अपर सोशियोइकोनॉमिक क्लास की हैं, पढ़ लिख रही हैं, बॉडी फैट ज्यादा है, मैरिज 25-26 साल से पहले मैरिज नहीं हो रही, 27-28 साल से पहले बच्चा नहीं हो रहा, ये सारे फैक्टर्स ब्रेस्ट कैंसर को प्रेडिस्पोज करते हैं। मतलब ब्रेस्ट फीडिंग नहीं होने की वजह से कैंसर हो सकता है? थोड़ा रिस्क पड़ता है, ब्रेस्ट का नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन तो बच्चे को फीड देना है, वो ना करने से ब्रेस्ट को तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन से आपको उसको डिप्राइव किया, जिसको आजकल युद्ध एकदम ध्यान नहीं दे रहा, जबकि आज की डेट में हम ये रिकमेंड करते हैं, जो एक पीडियाट्रिक एसोसिएशन की भी WHO की पूरी दुनिया में रिकमेंडेशन ये है कि न्यू बॉर्न चाइल्ड फर्स्ट 6 मंथ्स ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ नहीं देना, इवन पानी भी नहीं देना, इससे तो माँ भी सुरक्षित है और बच्चा भी सुरक्षित है, पानी क्योंकि उस मिल्क में बच्चे को वो सारी चीजें मिल रही हैं जो उसके आने वाले जिंदगी में उसको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे बड़ी सारी बीमारियों से। नहीं लोग ऐसा कर नहीं रहे, कर कोशिश करें, देखो अब जैसे आपका मीडिया का रोल है। हाँ सर, एक ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहा हूँ, बहुत सारी औरतों में मैंने ये प्रॉब्लम देखा है रिसर्च के अकॉर्डिंगली, उनको ब्रेस्ट मतलब फीडिंग नहीं कर पाते बच्चों को, उतना मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाते, वो बाद में बाहर के दूध दे रहे हैं बच्चों को, तो उस चीज में तो फिर प्रॉब्लम है। नहीं देखो, ऐसे रेयर इंसिडेंस जब आते हैं तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देखते हैं किस वजह से नहीं हो रहा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है, कई बार बच्चे को एक एप्रिहेंशन होती है माई के बच्चा काट लेगा, कुछ और करेगा, एप्रिहेंशन से कई बार कम हो जाता है, मेंटली अगर आप स्ट्रेस्ड हो तब कम हो जाए, इसमें फिर योगा का जैसे रोल आ गया, क्योंकि एक माँ और बच्चे का रिलेशन एक बहुत ही पायस रिलेशन है, इसका कोई मुकाबला नहीं है, तो उसके आज के जमाने में स्ट्रेस फैक्टर्स बड़े सारे हैं जो उसमें इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, जो इन्फ्लुएंस कर जाते हैं, तो उसमें देखने की जरूरत पड़ती है, जिस इंडिविजुअल के मदर में ऐसा नहीं हो रहा तो क्या वजह है, कोई बीमारी की वजह से है या स्ट्रेस की वजह से है या उसके निपल रिट्रैक्टेड है उस वजह से नहीं आ रहा है, तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स। उनपे जो महिलाएं हैं जिनको प्रॉब्लम है कुछ करना चाहिए और बच्चों को कोशिश करने की चाहिए, क्या कि कदम जाए, अच्छा नहीं हुआ तो ऊपर वाला दूध दे दो, वो एक इजी वे आउट नहीं ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, कि वो करने से आपने एक रास्ता बच्चे को फीड करने तो आज के लिए तो निकाल लिया, बस हमेशा के लिए उसको आपने जो आपने उसको स्ट्रेंथ एबिलिटी जो मदर से मिलनी चाहिए थी उससे डिप्राइव कर दिया, उसे डिप्राइव कर दिया। हां, एक बहुत बड़ी बात है सर। अभी उम्र की बात कर रहे थे कि उम्र के बढ़ते ही कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्या ये कैंसर उम्र के ही इफेक्ट पे है या कम उम्र में भी हो सकता है, ऐसा कुछ कुछ है संबंध उम्र से? कैंसर
किसी भी उम्र में हो सकता है, राइट फ्रॉम न्यू बॉर्न चाइल्ड टिल डेथ, एनी एज. पर होने का इंसिडेंस जो है वो एज के साथ साथ बढ़ता जाता है. बढ़ता जाता है. कैंसर के होने की दो पीक्स आती हैं, एक लेस देन 15 इयर्स. अच्छा, लेस देन 15 इयर्स जो एक छोटी पीक आती है. हाँ. फिर एक लो इंसिडेंस करके जीरो इंसिडेंस कभी भी नहीं रहता. हाँ. एक मिडिल एज जैसे टीन एज के बाद 15 से लेकर 35 साल तक एक इंसिडेंस रहता है जो थोड़ा कम होता है. एक पीक आई, इंसिडेंस कम हुआ, एक ब्लड भी चल रहा है. फिर 35 के बाद ये बढ़ना शुरू हो जाता लगातार. अब उसकी शुरू की जो पीक आ रही है वो सोचिए वो चाइल्डहुड कैंसर है, जो बड़ी डिफरेंट तरह की कैंसर होती है जो पोटेंशियली क्यूरेबल होती है. आज के डेट में काफी इफेक्टिव कीमोथेरेपी अवेलेबल है. सर्जरी के बाद का कुछ पेशेंट जैसे हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी हैं, जो ब्लड रिलेटेड कैंसर हैं, लिकीमियाज हैं, लिम्फोमास हैं, मल्टीपल मायलोमा है जो एल्डरली एज में होता है, पर बच्चों में से लिकीमियाज लिम्फोमास होते हैं. जो सबसे ज्यादा कैंसर बच्चों में लिग्यूमल लिम्फोमा मिला के हैं. हाँ. उसका सॉलिड ट्यूमर करीब ग्रुप में सॉलिड ट्यूमर भी होते हैं, जो नियोब्लास्टोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, रेटिनोब्लास्टोमा, मेडुलोब्लास्टोमा, ये सारे जो कैंसर होते हैं पोटेंशियली बच्चों के एम्ब्रियोनल कैंसर होते हैं. हाँ. ब्लास्टोमा करके जिसको हम नाम बता रहे हैं. हाँ. और ये रेडिएशन को, कीमोथेरेपी को, सर्जरी को बहुत सेंसिटिव होते हैं. डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, उसके लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट हमारी चॉइस क्या होगी. पर अगर बच्चे जल्दी आए, पेरेंट्स लंबा जो भी इलाज इसका लंबा डेढ़ दो साल चलेगा, पेरेंट अगर उसको प्रॉपरली फॉलो करें, 100 में से 80 बच्चे क्योर किए जा सकते हैं नॉर्मल लाइफ स्पैन के लिए. 80% नॉर्मल लाइफ स्पैन तक जा सकते हैं, क्योर किया सकते हैं. और इसी तरह से जो ब्लड कैंसर बच्चों वाले होते हैं पोटेंशियली क्योरेबल होते हैं. पोटेंशियली क्योरेबल होते हैं, इलाज लंबा चलता है. हां, इलाज लंबा चलता है, इलाज को बीच में ना छोड़े. 100 में से 80 बच्चे बचाए जा सकते हैं. फिर उसके बाद जो एक बीच की एज आती है 15 से 35 साल का, इंसिडेंस थोड़ा कम हो जाता है. 35 से लगातार बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आप देखिए, एक मैंने बोला ना, ह्यूमन बॉडी इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इंजन मेड बाय द ऑर्गन. अब 35 साल के बाद जब धीरे धीरे हम एनवायरमेंटल एक्सपोजर हो रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल की आदतें आ रही है, जो हैबिट्स हैं हमारी, पर्सनल हैबिट्स हैं अच्छी या बुरी जो भी है, वो सब हैबिट्स का, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का, अल्ट्रावायलेट रेज का, बहुत कुछ जमा भी किया है. हाँ, तो उसका बड़ी धीरे धीरे हमारे शरीर में उसका आघात हुआ जा रहा है. हाँ. अच्छा है बुरा, उसका बेनिफिट या उसका इफेक्ट होते जा रहा है. हाँ. और अगर उसका हम आपको निग्लेक्ट करते जा रहे हैं तो इफेक्ट ज्यादा होगा. तो मैं कहते हैं 35 साल के बाद से धीरे धीरे शरीर के अंदर इंसिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है. और तभी हम कह रहे हैं 40 साल के बाद जरूर अपने आपको एनुअल चेकअप करा लेना चाहिए. आपकी पास्ट लाइफ स्टाइल कैसी है, आपकी पर्सनल हैबिट्स कैसी है, वो ध्यान में रखते हुए डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे. कई बार हमको पेशेंट के ऐसे ऑक्यूपेशन में है जिसमें उनको किसी खास तरह का कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है, अगर पेंट इंडस्ट्री में है या माइनिंग में है या ऐसे डस्ट वाले ऑक्यूपेशन में, एस्बेस्टोसिस वगैरह में है, तो एंडोस्कोपी करने की जरूरत पड़ सकती है. चलो, डाइट अच्छी नहीं है तो डाइट अच्छी नहीं है, तो आपसे डाइट प्रॉपर नहीं है, लो रेजोल्यूट डाइट है, तो कॉलन कैंसर का रिस्क ज्यादा हो सकता है. स्टूल में भी एक ब्लड टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं, एंडोस्कोपी के एडवाइस कर सकते हैं. तो इसलिए, और फिर पेशेंट का क्लिनिकल एग्जाम करने देखने वालों को लगता है अच्छा ये चीज़ में थोड़ा डाउट लगता है, तो थोड़ा इसके लिए स्पेशल टेस्ट करा लें, स्पेशल स्टडी करा लें. तो पेशेंट्स को डॉक्टर को एक साल में जब कंसल्ट करके फिर जो टेस्ट बताएं उस हिसाब से, फिर हम ये नहीं कहते आप आए सर कैंसर का टेस्ट ही करें, बाई हम आपका हार्ट का भी देख लेंगे, शुगर का भी देख लेंगे, डायबिटीज का भी देख लेंगे. इट्स ए कंप्लीट बॉडी चेकअप इंक्लूडिंग कैंसर. नॉर्मली आज की डेट में जो चेकअप हो भी रहे हैं, हेल्थ चेकअप के नाम से काफी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, उसमें कैंसर इंक्लूड नहीं करते. उसमें हम जैसे लेडीज में हम कहते हैं मेमोग्राफी साथ में हो जाए, पैप्समियर हो जाए, पैप्समियर तो लिक्विड साइटोलॉजी या लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी LBC वो हो जाए. आज की डेट में HPV DNA टेस्ट होना शुरू हो गया, जैसे मैंने बोला कि HPV वायरस की वजह से सारा कैंसर होता है. हाँ. तो उसका DNA टेस्ट करके और ज्यादा सेंसिटिवली बता सकते हैं कि हाँ भाई इसमें कैंसर होने का आगे चल के अंदेशा है. तो आज उसको हम प्रिकॉशनरी उसको हम ट्रीटमेंट कर लें. तो कुछ और कैंसर मार्कर्स भी होते हैं मेल्स में, जैसे 50 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर आने का इंसिडेंस बढ़ता जाता है. एक प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट है. लेडीज में जैसे ओवेरियन के लिए है CA125 है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए CA213 है, ये कैंसर के लिए कुछ मार्कर्स हैं. तो हम ये तो कहते हैं रूटीन में हर मेल इसमें करा लो कि महंगे होते हैं, जिससे डाइट जिस तरीके का है महंगे होते हैं, तो हम ये भी चाहते हैं आपका फालतू में कॉस्ट कम है बढ़ा जाए. पर पेशेंट अगर एग्जामिन करा लें हमने डॉक्टर के पास जो सब की तकलीफ समझता हो, तो एक गिवन पेशेंट में बता सकते हैं हाँ जी आप बाकी रूटीन टेस्ट के अलावा ये एडिशनल करा सकते हैं, या ये आप इसलिए हमको ये डाउट लग रहा है तो उसके लिए एंडोस्कोपी कराने की जरूरत है. फिर भी अगर कोई चीज़ अगर आप प्रॉब्लम लग रही है तो शायद आगे को हमको CT या कुछ और ऐसे PET CT वगैरह कराने की जरूरत पड़ सके. बट दीज टेस्ट आर टू बी एडवाइज स्पेसिफिकली फॉर ए गिवन पेशेंट, दे कांट बी यूटिलाइज्ड एज़ अ रूटीन. तो इसलिए पहले डॉक्टर को जरूर मिल के
उसके साथ आगे चले तो शायद ज्यादा बेनिफिट होगा। और वैसे मैं हमेशा कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने का बेस्ट टाइम वही होता है जिस वक्त आपको पास आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मतलब आपको कोई तकलीफ नहीं है तब डॉक्टर से मिलिए, तब मिलिए। हो सकता है कि ऐसी बीमारी अंदर पनप रही हो जिसको आप जिसने तकलीफ देनी शुरू तो नहीं करी थी, आगे देती जब तक देर हो चुकी होती। आज शायद डॉक्टर जल्दी अगर पिकअप कर ले तो आप क्योर किए जा सकते हो। तो ये सोचो कि हाँ जी तकलीफ आएगी फिर मैं जाऊँ तो उस वक्त हो सकता है कुछ बीमारियों में वो लेट हो चुका होता है। तो हम जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5000 किलोमीटर चल गई, कोई ऑयल चेंज कराना है, फिल्टर चेंज कराना है, ये करना है, दवाई करानी है, कराना है, तो अपने शरीर की भी करा डॉक्टर से मिलनी चाहिए। तो दिल्ली स्टेट ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करें, वहाँ पे फैसिलिटीज किस तरीके की अवेलेबल है, वहाँ क्या सुविधाएं अवेलेबल है, वहाँ पेशेंट का इन्वॉल्वमेंट कैसे होता है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होती है, और कौन से लोग वो हैं जो सुविधा का सुविधा को ले सकते हैं, क्योंकि दिल्ली एक स्टेट है और जो यूपी से है, जो बिहार से है, झारखंड से, क्या वो दिल्ली स्टेट ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट में जाकर। हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से पेशेंट आते हैं, हिंदुस्तान के बाहर से भी आते हैं, आसपास के नेशन से, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान से भी आए, श्रीलंका, पेशेंट आते हैं। पर हम किसी पेशेंट को ना नहीं करते। अभी तो जो हिंदुस्तान के पेशेंट हैं, वी हैव फैसिलिटीज, जनरल वार्ड ओपीडी फैसिलिटीज एंड प्राइवेट वार्ड प्राइवेट ओपीडी फैसिलिटी। हम डिफरेंशिएट नहीं करते पेशेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। अगर उनको लगता है कि दे कैन अफोर्ड, अगर क्योंकि प्राइवेट में भीड़ थोड़ी कम होगी, ये डेली ओपीडी हमारा करीब 1000-1200 पेशेंट का डेली हो जाता है, और वी हैव सम ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज इन द कंट्री बोथ फॉर डायग्नोसिस एस एल एस फॉर ट्रीटमेंट। बल्कि उसकी वजह से भीड़ इतनी जल्दी इतनी बढ़नी शुरू हो गई कि जितनी जल्दी उतनी जल्दी से फैसिलिटीज एक्सपेंड नहीं कर पाई, इससे थोड़ा मरीजों को दिक्कत जरूर होती होगी, बेड एडमिशन की दिक्कत हो जाती है, नहीं एडमिट कर पाते, कुछ वेटिंग चलना शुरू हो गया ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, जो पहले नहीं होता था। पर सरकार, आई एम ग्लैड दिल्ली सरकार इसके लिए जरूर जागरूक हुई है, और अभी उन्होंने प्रॉमिस किया कि बहुत जल्दी हमको इसका समाधान करेंगे, बेड्स भी बढ़ेंगे, जगह थोड़ा और बढ़ेगी। एक सेंटर, हमारे दो सेंटर हैं, इसको 21 दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, तो उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करेंगे, और जरूरत पड़ेगी तो 2-3 सेंटर और भी दिल्ली के अंदर खोलेंगे जिसमें दिल्ली का मरीजों का इलाज भी हो, बाहर वालों का इलाज भी हो, चाहे कहीं से किसी जगह से मरीज क्यों ना आए। उसमें कई बार आपने बात जरूर बोली कि फंड्स की बात आती है, तो हम चाहते हैं जो बाहर वाले स्टेट से पेशेंट आए तो उनका स्टेट फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकता हूँ, गवर्नमेंट में सपोर्ट कर सकता हूँ। अच्छा। अभी हमने डिफरेंशिएट करना शुरू नहीं किया, पर जैसे पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ दिल्ली, अब दिल्ली के पेशेंट करीब 30% है, 70% दिल्ली के बाहर के हैं, तो कई बार होता है कि फिर हम कई बार सोचते हैं तो हमारे भारत के नागरिक क्या फर्क पड़ता है, और जो दिल्ली से बाहर के अगर आ भी रहा है उनका कोई ना रिश्तेदार दिल्ली में रह रहा है, एक उम्मीद के साथ आता है, उनको ये लगता है कि मेरे आने वाला शायद दिल्ली देश की राजधानी है, कैपिटल है, वहाँ जरूर बढ़िया इलाज हो जाएगा। तो जो उस उम्मीद के साथ आ रहा है, तो उस उम्मीद को हम धूमिल नहीं होने देना। सब प्राइवेट वार्ड और जो जनरल वार्ड की बात करें, क्या खर्च आ जाएगा, मतलब एक कैंसर पेशेंट के नॉर्मल एवरेज कैंसर? आज के दिन जनरल वार्ड इज टोटली फ्री, टोटली फ्री, कुछ भी दवाई से लेकर के इलाज तक कुछ रुपए एडमिट होते हैं तो उनको जरूर पे करना पड़ता है, वो भी पेमेंट करीब करीब उनकी उतनी होती है जो एक नॉर्मल कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जितना वो देते हैं, उसका करीब 1/3 to 1/4 कॉस्ट आता है, क्योंकि हमारा इन कमर्शियल नहीं है। पेशेंट एक निगेटिव के साथ इलाज कराना चाहता है, वो सरकारी अस्पताल की भीड़ से भाग के प्राइवेट में चला जाता है, जहाँ वो उसकी इतने आउट ऑफ पॉकेट हो जाता है कि हमारे बड़े सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनका घर बार रुक जाता है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसी सिचुएशन हम अपने क्रिएट करें। जो ओपीडी का टाइम है सुबह 7 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक, ये किसी इंडिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं है, ये आपने इनिशिएटिव लिया, दिल्ली सरकार ने लिया, आइडिया कहाँ से आया और कैसे इसको कर पा रहे, क्योंकि एक डॉक्टर को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक बैठा देना, मतलब 13 घंटे का वो नहीं, वो तो हम शिफ्ट में कर लेते हैं, वही जानना है मुझे किस तरीके से क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि काफी सारे पेशेंट दिल्ली के भाग के आते हैं, उनकी बस स्टैंड का टाइम जो होता है सुबह 5 बजे 6 बजे आके बैठ जाते हैं। अब मैंने देखा ये बेचारे 6 बजे आके बैठे, अब ओपीडी हम 9 बजे शुरू कर रहे हैं, शुरू करने का तो हम, ये तो बीमार है, ये बेचारा बीमार होकर बैठा हुआ है, हम तो हेल्दी है, हम क्यों नहीं पहले आ सकते, नहीं आ सकते। फिर नाइट ड्यूटी में डॉक्टर हमारे पास होते ही 24 घंटे, जो नाइट ड्यूटी में डॉक्टर ड्यूटी पे है वो सुबह देख ले 8 से 8 ड्यूटी पे है, तो जाने से पहले 7 बजे ऊपर शुरू करके 1 घंटे चला के चला जाए, 8 बजे दूसरी टीम आ जाएगी, तो इस तरह 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह करके हमने डॉक्टर्स को स्टैगर कर रखा है। दिल्ली स्टेट ऑफ कैंसर इंस्टीट्यूट में कितने डॉक्टर्स हैं अभी?
अभी थोड़े इसलिए मैंने बोला ना कि रश इतना ज्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर्स थोड़े उसके कंपैरिजन कम हो गए, पर आई एम ग्लैड टू शेयर विद यू कि सरकार ने अभी 497 पोस्ट और अभी अप्रूव करी है, जिसमें करीब करीब 150 पोस्ट डॉक्टर की है, जिसमें फैकल्टी भी है और रेजिडेंट डॉक्टर भी है, करीब 94 फैकल्टी की पोस्ट है जिनका आजकल रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर ये सारे डॉक्टर इन देयर पोजीशन होंगे, और जो आज की थोड़ा मरीजों को दिक्कत हो भी रही है कुछ चीज़ों के लिए नहीं कर पा रहे थे या कुछ डेट नहीं मिल रही थी, वो उसका एक बहुत जल्दी एक अच्छा एक समाधान निकलेगा, पर फिर बात ये आती है फिर रश और बढ़ जाएगा, तो इसलिए भी संस्कार सरकार को हमने सेंसिटाइज किया। और आज की डेट में हैप्पी टू शेयर विद यू कि सरकार बड़ी पॉजिटिव है कि बहुत जल्दी उम्मीद हम कर रहे हैं शायद 500 बेड से हो सकता है 1000 बेड भी और हम इसमें ऐड करके देश का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कैंसर संस्थान हम बनाने के मिशन में हो जाए, हो सकता है आने वाले साल दो के अंदर ये चीज हम हासिल कर सकें। और हम चाह रहे हैं दिल्ली के अंदर कम से कम एक चेन ऑफ डेली स्टेट कैंसर शो बना दे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल करके, ताकि हर मरीज के कैंसर का इलाज लंबा चलता है, फॉलो अप लाइफ में होता है। अब ये हमारा अभी जो संस्थान जो ईस्ट दिल्ली में है, वेस्ट वाला भी शुरू हुआ तो उसमें ज्यादा सुविधाएं भी नहीं है, पर वो 6-8 महीने वो भी आ जाएंगी, बाकी सेंटर आने में 2-3 साल लगेंगे, पर ईस्ट वाले साल शुरू से काफी डेवलप है। सिर्फ एक बोनो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी को छोड़ के अभी बाकी सारा कुछ हमारे पास अवेलेबल है, और बोनो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी भी आने वाले 6 महीने में आ जाएगी, जैसे स्टाफ और रिक्रूट हो रहा है उसके लिए स्पेशल स्टाफ हमने अपॉइंट कर रहे हैं, तो वील बी फुल इक्विप्ड कैंसर इंस्टीट्यूट एज फार एज ईस्ट पार्ट ईस्ट यूनिट इज कंसर्न, बाकी भी धीरे धीरे उस लाइन में आगे बढ़ेंगे। तो हमारा एक एम है कि ये दिल्ली के अंदर एक रोल मॉडल हम सेटअप क्रिएट करें जिसको बाकी स्टेट भी अगर चाहे तो उसको बहुत बाकी स्टेट्स क्या हो अदर कंट्रीज भी फॉलो करें, बिल्कुल एटलीस्ट क्योंकि सभी डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत जबरदस्त शॉर्टेज है ट्रीटमेंट फैसिलिटीज की। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया था करीब 14 लाख नए केसेस हमारे देश में कैंसर के बनते हैं आज की डेट में, ट्रीटमेंट फैसिलिटी सिर्फ 7-8 लाख मरीज मिलते हैं, 7-8 लाख बाकी जो 6-7 लाख मरीज ट्रीटमेंट चले जा रहे हैं बिना ट्रीटमेंट चले जा रहे हैं, और शायद ये 14 लाख हमारा फिगर भी वो फिगर है जिनको हम नोट डाउन कर पा रहे शायद बहुत मरीज कैंसर वो भी हो जो हमारे रिकॉर्ड में भी नहीं है जिनको हम कंफर्म नहीं कर पा रहे कैंसर डेथ हो गई, शायद वो फिगर ज्यादा होगी हो तो भी ये 14 लाख फिगर बढ़ सकती है, तो इसलिए हमको बहुत तेज स्पीड पे काम करना है। एक तो प्रेजेंट गैप है उसको फिल अप करना है, दूसरा हमारे नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं उसको भी देखना है कि वो गैप बढ़े नहीं, और साथ में पैसे भी मिनिमम रखने हैं। और तीसरी चीज हमारे पास स्पेशलिस्ट को भी हिसाब से प्रोड्यूस करने हैं, प्रोड्यूस करना है। इसलिए जो अच्छे सेंटर जैसे हमारे यहाँ जैसे हम कह रहे हैं अच्छे सेंटर्स हैं, इनको ये भी साथ में जिम्मेवारी लेनी है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर द फ्यूचर, डॉक्टर्स टेक्नीशियन नर्सेज पैरामेडिकल स्टाफ डायट्री स्टाफ फार्मासिस्ट जो साथ में सोशल वर्कर्स जो चाहिए प्रोड्यूस करें, तो भी हमारे जैसे अभी डॉक्टर जैसे अपॉइंट हो जाएंगे तो हमने ये सारे कोर्सेज शुरू करने का ऑलरेडी हमने प्रोसेस शुरू कर दिया है, और उम्मीद है कि अगले साल से हमारे यहाँ भी सभी MBBS MCS कोर्सेज DSC सब शुरू हो जाएंगे, और इसकी देश में बहुत जरूरत है, बल्कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इसको ध्यान दिया है, क्योंकि बाकी अभी तक हम स्टूडेंट टीचर रेशो बाकी फील्ड में 1:1 ना करती थी, पर कुछ ब्रांचेज ऐसे हैं जिनमें देश में मैन पावर काफी शॉर्टेज है, इसमें रेडियोथेरेपी एक ब्रांच है, रेडियो डायग्नोसिस है, एनेस्थीसिया है, साइकेट्री है, ये 3-4 ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई भी बहुत कम थी, बहुत कम सेंटर्स जो अच्छी ट्रेनिंग दे रहे थे, तो इन स्पेशलिस्ट के लिए स्टूडेंट टीचर रेशियो 1:1 से बढ़ाकर 1:2 कर दिए, मतलब एक टीचर के 2 स्टूडेंट लिए जा सकते हैं, जस्ट रियलाइजिंग दिस फैक्ट कि देश में इन स्पेशलिस्ट की आने वाले वक्त में जरूरत बहुत पड़ेगी, और इसलिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे सेंटर्स और बनाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि बनारस में बहुत अच्छा कैंसर सेंटर बन रहा है, क्योंकि प्राइवेट में सेंटर बहुत हैं आज की डेट में, प्राइवेट वाले बहुत जल्दी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें क्योंकि यहाँ डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाता है, तो लोग उनको फिर कमर्शियल लोगों को उनका एंगल एक फुलफिल हो जाता है, तो इसलिए प्राइवेट में बहुत सारे सेंटर्स आ रहे हैं, और क्योंकि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम है इसलिए रेट भी ज्यादा हो रहे हैं, तो अगर सेंटर्स बढ़ जाएंगे और स्पेशली गवर्नमेंट भी अच्छे सेंटर्स आ जाएं, प्राइवेट भी अच्छे सेंटर्स आ जाएं, दोनों मिलके आपस में काम करें अच्छा काम कर, ताकि जो गरीब आदमी है उसका इलाज सरकार में सस्ता मुफ्त भी हो सके, प्राइवेट वाले भी अपने इलाज को थोड़ी कम करें ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है मशीनें महंगी है दवाइयां महंगी है पर फिर भी काफी हद तक हम मिनिमाइज कर सकते इलाज को कम रेट को कॉस्ट कम कम कर सकते कम कर सकते हैं। अगर मैं दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट की बात करूं और अदर जो इंस्टीट्यूट है कैंसर को लेकर कैसे डिफरेंट है,
सभी अच्छी है, मैं तो नहीं कहूंगा कुछ खराब है, पर ओके डिफरेंट, मैं अच्छा खराब तो बोल ही नहीं रहा हूं, मैं पूछूं कैसे डिफरेंट है। हम डिफरेंट इस तरह से कह सकते हैं, जैसे हमने अपने जो टाइम है कॉपी लिख के रखे, किसी पेशेंट को हम ना नहीं करते, जो उनके घर से चला आया है उसको मुझे वापस भेजना, बहस करनी पड़ी 10 मिनट की 15 मिनट की, देख लेंगे तो वापस भेजेंगे। और फिर कैंसर कोई मरीज अकेला नहीं आता, दो तीन रिश्तेदार साथ में आते हैं, किस तरह से उन्होंने अपना टाइम बचाया होगा, कैसे छुट्टी ली होगी, किराया खर्च करके आए होंगे, गरीब आदमी है, सड़क पे भीड़ करी है, पॉल्यूशन कर रहा है, और आज मैं सारा उसको बेकार करके जाने दूँ, कल फिर बुलाऊं, कल वो फिर भी जा रहा है, दो तीन लोग छुट्टी लेंगे, फिर कंट्री का उसमें महीना लूज होंगे, फिर वो किराया खर्च करेंगे, फिर सड़क पे पॉल्यूशन करेंगे, और देखना कल मैंने भी था तब मैं आज भी देख सकता था, मैंने कल तक डेले करके क्या किया, वो खांसी जुकाम वाला मरीज तो है नहीं कि कहीं भी आके चला जाएगा अपने से ठीक हो जाएगा। मैंने जब कल देखना है तो मैं सामने खड़ा हुआ, अभी क्यों मैं मना कर रहा हूँ, देखना पहली बात है, तो इसलिए हम किसी को मना नहीं करते, पहली बात तो ये। और फिर पेशेंट अगर जब तक हमारा ओपीडी चल रहा है तब तक हमारे ब्लड कलेक्शन, एक्सरे, फार्मेसी काउंटर सब खुले रहते हैं। आप डायग्नोसिस की वेटिंग की बात की, वेटिंग स्लो गए, कितने दिन तक वेट करना पड़ सकता है डायग्नोसिस का? अभी डायग्नोसिस में हमारे करीब एक डेढ़ महीने की वेटिंग है, एक डेढ़ महीने की वेटिंग है, और रेडियोथेरेपी के लिए 3-4 महीने की हो गई है, 3-4 महीने की, तो दुख होता है, कैंसर तो फिर एक्सटेंड हो जाता है, क्या तो तभी तो हम सरकार को प्रेशराइज कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आने वाले 5-6 महीने से ये सिचुएशन वापस कुछ सुधर जाएगी। अभी तक हम अपने वर्किंग आवर एक्सटेंड कर रखे थे इसलिए वेटिंग नहीं आने देते थे, और पेशेंट नंबर इतना बढ़ गया वर्किंग आवर एक्सटेंड करके भी वो चीज नहीं हो पा रही, तो अभी जैसे ओपीडी में हमारे अभी 5-6 घंटे पेशेंट को ओपीडी में इंतजार करना पड़ जाता है, 5 कमरे ओपीडी के 1,000-1,200 पेशेंट है, एक एक पेशेंट को देखने में 5 मिनट भी लगाते हैं, सोचिए फिर कितना टाइम लग सकता है। तो इसलिए हम ओपीडी जब 7 बजे शुरू करते हैं, जब तक लास्ट पेशेंट है हम ओपीडी खत्म, मतलब किसी पेशेंट को वापस नहीं भेजते, जब तक ओपीडी चल रहा है तब तक ब्लड टेस्ट भी होंगे, एक्सरे भी होगा, दवाइयाँ भी उनको फार्मेसी सब मिलेगी, मना नहीं करते किसी पेशेंट को। फिर दूसरा मैंने देखा पेशेंट जो कैंसर के आते हैं बेचारे मेंटली भी बड़े डिस्टर्ब होते हैं, नॉट ओनली पेशेंट बट उनका परिवार, तो जब होने को गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है पर हमने इसको जो अपीयरेंस जो दी है It's not like a gloomy atmosphere of a hospital. But a different look है कि आपके लिए अच्छा feel करें। We are trying to give it a colorful, cheerful look. एक positive जैसे optimistic जैसे feel होती है कि अगर हमने wall में कुछ colorful designs दे रखे हैं तो इसमें से patient थोड़ी देर देखेगा, appreciate करेगा, तो bored नहीं होगा। थोड़ी देर उसमें अपना खो जाएगा तो अपनी बीमारी को भूल जाएगा। भूल जाएगा। That also is generating positive energy in that patient. नहीं तो मैं atmosphere डल करता हूँ कि अपनी बीमारी के बारे में सोचता रहेगा, negative energy generate करता रहेगा, stress में जाता रहेगा। तुम्हारी कोशिश यह कि जगह अभी कम पड़ गई काफी, पर जितनी भी जगह हमारी है उतनी जगह हमने उसको सब जगह अलग अलग कंसेप्ट के साथ, जैसे प्राइवेट वार्ड के अगर 7 कमरे हैं तो हमें इंद्रधनुष के 7 रंग के हिसाब से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, विप्योर जो है उस हिसाब से हमको 7 कमरों को अलग अलग कंसेप्ट दिया हुआ है। अच्छा। अंदर पेंटिंग लगी हुई है, हर चीज हमने जो कैमोफ्लेज कर रखी है, पेशेंट को बहुत ज्यादा गैजेट्स वगैरह ना दिखे, वो भी पेंटिंग के पीछे छुपा के रखी हुई है। बेड्स चाहे जनरल वार्ड हो या प्राइवेट वार्ड हो, द बेस्ट इंटरनेशनल ब्रांड के जो बेड्स हैं वो बेड्स लगा हुआ है, ताकि गरीब मरीज को ये ना लगे मेरे बेड घटिया वाले हैं, प्राइवेट वार्ड के अच्छे वाले अच्छे वाले हैं, सेम बेड्स हैं, खाना सबको वही मिलता है। और हर वी सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल इन द इंस्टीट्यूट, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, हर धर्म के जो भी या नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल जितने भी आते हैं सब सेलिब्रेट करते हैं, न्यू ईयर से लेकर मकर संक्रांति, लोहड़ी, रिपब्लिक डे, ईद, गुरुपुरब, दिवाली, होली, क्रिसमस, वी सेलिब्रेट एवरी फेस्टिवल। उस फेस्टिवल के साथ कोई स्पेशल मिठाई या स्पेशल खाना होता है वो सर्व किया जाता है। 15 अगस्त 26 जनवरी को जो हमारे रिपब्लिक डे के इंडिपेंडेंस के जो नेशनल फेस्टिवल आ जाते हैं तो हम खाना ट्राई कलर में उसको सजा के देते हैं, 3 रंग के चावल का फ्लैग बना के, ऐसे 3 कलर की रोटी बना के, जस्ट टू गिव देम अ डिफरेंट फील कि आज कोई स्पेशल डे है, लेट्स स्पेशल डे। हां, वो अपनी चीजों को भूल करके सेलिब्रेट कोशिश रहती है कि कोई जो मेन फेस्टिवल किसी अगर आ रहा है तो फेस्टिवल के लिए उनको घर भेज सके, पर जो घर में अपने जाके बनाए, पर जो नहीं जा, जो अस्पताल में भर्ती है इसमें वो उस हालत में है कि शायद बहुत अच्छी हालत नहीं थी, घर में जा सकता था, तो उसको हम वही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देने की कोशिश करते हैं, जैसे दिवाली हम उसके साथ मना रहे हैं, होली उसके साथ मना रहे हैं, या ईद उसके साथ मना रहे हैं, गुरुपुरब उसके साथ मना रहे हैं, क्रिसमस उसके साथ मना रहे हैं। क्रिसमस से 1 दिन पहले क्रिसमस की पे एक वाना पर स्टाफ वो सांता क्लॉज की ड्रेस पहन के सारा दिन पब्लिक को टॉफी बांटता रहता है, अच्छा, चॉकलेट बांटता रहेगा, जिंगल बेल सुनाता रहेगा, लोहड़ी आएगी सबको होली पॉपकॉर्न मिल जाएंगे, ईद आएगी सबको ईद की समय और मिल जाएगा, होली आएगी सब गुजिया कुछ मिठाई जरूर मिलेगी, तो जस्ट उसमें स्टाफ भी साथ में और रहता है, अच्छा ये फेस्टिवल आ गया भी करना है, सब इनिशिएट और सब एंजॉय भी कर रहे हैं तरीके से, ऐसे वो थोड़ा पाइप म्यूजिक चलता रहता है जो सुबह के टाइम सारे मल्टी रीजन भजन चलते हैं, दिन में थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक है, रात को फिर सोने से पहले के टाइम में मल्टी रीजन भजन उसमें चलते हैं,
और कोई स्पेशल फेस्टिवल डे जैसे आता है, जैसे रमजान का महीना आ गया तो रमजान के गाने चलते रहेंगे, गुरु गुरु का देना तो वो वाले गाने चलते रहेंगे, क्रिसमस का तो वो चलते रहेंगे, होली दिवाली आ गई तो उस तरह से गाने चलते रहेंगे, जस्ट टू डाइवर्ट देयर अटेंशन। कभी खाने के नाम पे, कभी म्यूजिक के नाम पे, कभी बाहर की एम्बियंस के नाम पे। तो मशीनें भी हम जहाँ रेडी थी, मशीनें भी लगी हैं, या पेट सिटी या सिटी की मशीनें भी लगी हैं, वे ट्राई टू गिव इट लिटिल कलरफुल इंटीरियर इनसाइड कि पेशेंट अगर आके थोड़ी रोज में अपना खो जाए तो सुइए ना लगे इसे गोदाम में इलाज करने के लिए जा रहा है। मोस्टली मैंने देखा कि हॉस्पिटल में एक मशीन है, डल सा कमरा है, ग्रे पेंट कर दिया, बहुत कुछ अगर है तो एक आध फोटो टांग दी। तो वी वॉन्ट कि पेशेंट जहाँ भी जाए वहाँ देख के उसको भी अटेंशन डाइवर्ट होती है, देखने फट जाएगा उनके बैठने के को, सो दैट दे फील गुड, they should feel that they are being given due dignity and respect. अब वो थोड़ा भीड़ इतनी हो गई है पिछले कुछ टाइम से, मुश्किल होती है, कुछ पेशेंट नाराज भी हो जाते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं, तो मैं कहता हूँ भी देखो आपसे आज आपकी तकलीफ मैं समझता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आपको सिर्फ अपनी तकलीफ पता है, मुझे आप सबकी पता है, मुझे आप सबकी पता है। और हमारे यहाँ बहुत बड़े क्यू से सब लोग चलते हैं क्योंकि वो पेशेंट का भी जो सिस्टम हमने कर रखा है, एवरीथिंग ऑन डिस्प्ले ऑनलाइन है, करप्शन आपकी चीज नहीं है किसी लेवल पे, चाहे वो फाइनेंशियल मैटर्स की हो या पेशेंट का देखने वाली बात हो, पूरा जस्टिफाइड तरीके से ऐसे किसी का होना चाहिए। अगर क्यू ओपीडी में अगर नंबर आ रहा है तो क्यू के हिसाब से आ रहा है, सब डिस्प्ले है कि आपके नंबर आ रहा है, बहुत ट्रांसपेरेंट है हर चीज़ इस तरीके से रहने से। मैं पूरा विश्वास रखता हूँ कि आने वाले टाइम में कैंसरशिप बहुत फल फूलने वाला है, एक रोल मॉडल केवल हमारे कंट्री के स्टेट्स के लिए नहीं, और जो आसपास की कंट्रीज है, 7 countries हो, तो हमारे ईस्टर्न नेशन जो हैं वो भी आपसे रोल मॉडल की तरह सीखेंगे, आप समझेंगे। आप लिखते बहुत अच्छा हैं और आपने अपने पेशेंट के लिए कुछ लिखा हुआ है, उसको मैं एक बार सुना दूँ। कुछ ऐसे लिख देता हूँ, वो एक पोएम तंबाकू, मुझे लगता है तंबाकू इज वन सच हैबिट जो कल्प्रिट है बहुत सारी बीमारियों के लिए। तो वो मुझे कई बार लगता है कि तंबाकू तो इसे खत्म होना चाहिए। हाँ। तो तंबाकू के ऊपर ही मैंने एक पोएम लिखी हुई है, देखता हूँ अगर मैं इसमें जाऊँ। और दूसरा आपने बोला मुझे खुशी होगी अगर बाकी लोग कुछ वैसे प्रेरणा ले पाए। हाँ। तो मुझे खुशी होगी, अपनी तरह से मैंने बोला कि ये काफ़ी लंबी एक मेहनत मेरी चली थी, करीब करीब 25-30 साल से मैं लगातार लगा हुआ था, पर हिम्मत नहीं हारी, थका नहीं। 1988 से जब दिल्ली में शिफ्ट किया पीजीआई चंडीगढ़ से आकर, मैं देख के हैरान था कि दिल्ली में कैंसर के इलाज की कोई ढंग से प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं थी। और बाकी ऑलरेडी चुका सेंटर नया नया शुरू हुआ था, बाकी और कोई कुछ नहीं था, पूरा एक सेंटर बहुत कम रहता, तो उस वक्त सबजन में मैं ज्वाइन किया था, सबजन हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो तब कोशिश करी थी कि ऐसा एक सेटअप बनाया जाए, पर वो सिस्टम के हमारे हैं ना बड़े वो बॉटलनेक्स रिलेटिविज्म वाले, कोल्टियाबिंद ना होते होते फिर यहाँ के मौका मिला करीब करीब 20-25 साल के बाद, पर मैं लगा रहा, हिम्मत नहीं आ रही कि नहीं अगर छोड़ दो ऐसी बात नहीं, लगे रहो तो कभी ना कभी तो ऊपर वाला साथ देखा रास्ता निकाल देता है। तो वो जो आज ये सपना जो देख रहे हैं उस वक्त मेरा बना हुआ सपना है, और अभी बहुत कुछ आगे हासिल करना है, क्योंकि हासिल बहुत कुछ करना है, इसलिए वो सोने का या थकने का टाइम नहीं हो पाता। तो वो सीख रहे हैं आपसे बहुत ज्यादा, और बाकी किसी को इससे प्रेरणा मिलती है सबसे पहले तंबाकू का हमारे शरीर पर, हमारी सेहत पर इतना खराब असर होता है, साथ में पैसे को नुकसान भी होता है। तो लोगों को इससे आगाह करने के लिए, तंबाकू की अपनी खराब आदत से दूर करने के लिए मैंने उस पर कविता लिखी है, शायद उनको कुछ समझ आए, जो उनकी आदत से मजबूर है समझ आए तो शायद कुछ उसको छोड़ सकें। तो उस कविता को मैंने शीर्षक या टाइटल जो दिया है वो तो बीड़ी सिगरेट पान मसाला के गुण। अच्छा, बीड़ी ताकि वो गुण को देख के शायद आगे पढ़े तो उनको समझ आए कि असलियत क्या है, क्यों जानना चाहते हैं, प्रूफ भी करना चाहते हैं। तो उसमें लिखा बीड़ी सिगरेट पान मसाला ये सब है गड़बड़ घोटाला, बीड़ी सिगरेट पान मसाला ये सब है गड़बड़ घोटाला, इनका सेवन लाए बीमारी खुशियों पर लग जाए ताला, पैसा सेहत की बर्बादी, तंबाकू छीने आजादी, कैंसर फेफड़े दिल के रोग ये सब है तंबाकू के दोष, गुटका खैनी बीड़ी तंबाकू ये सब है सेहत के डाकू, इनसे दोस्ती पड़ेगी महंगी पीछे से ये मारे चाकू, अपनी और अपनों की खातिर, क्योंकि तंबाकू सिर्फ अपनी सेहत का नुकसान नहीं कर रहे अपने परिवार को भी नुकसान कर रहे साथ में, तो अपनी और अपनों की खातिर दूर रहो तंबाकू से सब, पीछे फिर पछताओगे तब, मुसीबतों से जब पड़ेगा पाला,
इनका सेवन लाए बीमारी, खुशियों पर लग जाए ताला। बहुत अच्छा लिखा, क्योंकि लाइक यू आर अ रोल मॉडल फॉर मेनी एंड यू आर इंस्पायरिंग मेनी डॉक्टर्स। सो माय लास्ट क्वेश्चन इज इट, वो अगर मैं पांच शब्द बोलूं आपसे, जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं, जो अभी अभी डॉक्टर्स हैं, उनके लिए पांच शब्द जो आप बोलना चाहेंगे कि उनको फॉलो करना चाहिए, वो पांच शब्द जितना कि वो भी अच्छे इंसान बने, एक अच्छे शख्सियत में तब्दील हो और देश के लिए कुछ अच्छा करे, तो पांच निर्देश या पांच शब्द आपके मुंह से क्या होंगे वो? देखिए, सिंसियरिटी टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड योर प्रोफेशन, डेडिकेशन, डेडिकेशन, कमिटमेंट, कमिटमेंट, नॉट टू लूज हार्ट, हिम्मत नहीं हारना, ये अपने जीवन में अगर रखें। और दूसरा मैंने बोला, ये प्रोफेशन ऐसा है जो एक भक्ति का प्रोफेशन है, कमर्शियलाइज़ नहीं करना। सिंसियरिटी, डेडिकेशन, नॉट टू लूज होप, कमिटमेंट, कमिटमेंट और लूज होप एंड टेक इट एज समथिंग व्हिच यू हैव टू गिव टू अदर्स, दिस प्रोफेशन, बी अ गिवर नॉट अ टेकर, बी अ गिवर। डॉक्टर राजेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर एस के अग्रवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपके आने से चार साल लगे इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू को हम यही समाप्त करते हैं। डॉक्टर राजेश ग्रोवर जी पांच बातें बोल रहे हैं, अगर आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर बनना चाहते हैं, मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, एमएस कर रहे हैं या ऑलरेडी ऑक्यूपाइड एज अ डॉक्टर, तो बहुत जरूरी बात बोली है। सिंसियरिटी बहुत जरूरी है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। डेडिकेशन भी रिक्वायर्ड है, एफर्ट, कमिटमेंट बहुत जरूरी है, एंड सबसे ज्यादा जरूरी है, डोंट लूज होप, डोंट लूज योर हार्ट, हिम्मत नहीं हारना है, बनाए रखना है, चीजें होंगी और आप जरूर सफल होंगे। जैसे 25 साल तक इन्होंने संघर्ष किया कि ऐसा इंस्टीट्यूट की स्टैब्लिशमेंट करेंगे, आज दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट एक अच्छे इंस्टीट्यूट में है और आगे आने वाले सालों में, समय में बहुत सारे स्टेट्स के लिए, कंट्रीज के लिए रोल मॉडल होने वाला है। डोंट लूज योर होप, इफ यू वुड लाइक टू विश टू डू समथिंग ग्रेट, देयर विल बी स्ट्रगल, there will be sometimes and you will feel like okay I'm like there are obstacles which are stopping you to move forward, but things will come into a way, you will be successful, don't lose your hope. And the most ultimate word, ultimate, which I admire, which I feel like we all should look into it, don't be a taker. Medicine is a service, you choose a way to serve the people, to be a don't be a taker, be a giver. Because people, patients, comes to you by seeing you as a god. They comes to you to take your help. They don't treat them as your customer. Treat them as a human being. Treat them as a person who are admiring you, who are following you. So, इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर राजेश गुरुवर जी ने पांच बातें जो बोली हैं बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, जो आगे फ्यूचर में भी होने वाले हैं, इन पांच शब्दों को अमल करेंगे। इसी के साथ इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं डॉक्टर राजेश ग्रोवर जी की जीवनी बहुत शानदार है, आप मस्ती भी कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए और अपने कार्य के प्रति निष्काम से, कमिटमेंट के साथ मेहनत भी करते रहिए और आगे बढ़िए। इस एपिसोड को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस इंटरव्यू के माध्यम से एक नया मैसेज हम देने वाले हैं। आप स्टे ट्यून्ड, अगले एपिसोड में नई शख्सियत के साथ, नई बातों के साथ मौजूद होंगे। तब तक के लिए मुझे, मेरी टीम, प्रणव, सचिन को इजाजत दीजिए। हम फिर हाजिर होंगे जज्बात के एक नए एपिसोड में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।